सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में पूरा हिंदी कंप्लीट करने वाला हूँ। ये दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे यूट्यूब में आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरा। पूरे यूट्यूब आप खंगालिएगा, नहीं मिलेगा। तो आज अगर आपके पास टाइम है तो लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो बाद में देख लीजिएगा। देखो, टाइम चाहे जो लगेगा आज, लेकिन पूरा हिंदी ट्रिक द्वारा कंप्लीट करने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जैसे देखो, पहली चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मैं पेपर भी लिया हूँ, पेपर कराऊंगा, पेपर मतलब ये पेपर नहीं कराऊंगा, आपको ट्रिक बताने आया हूँ, टोटली ट्रिक रहेगा। देखो, जैसे यहाँ से आता है 10 क्वेश्चन आता है एक एक नंबर वाले, तो इसको मैं टोटल 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि उसी में से कंप्लीट हो जाए। फिर हिंदी गद्यांश का ट्रिक बताऊंगा, पद्यांश का ट्रिक बताऊंगा, जीवन परिचय लिखने का तरीका बताऊंगा, बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप लास्ट तक बने रहते हो तो गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ कि आप पास ही नहीं 100 में 100 नंबर लाने के भी काबिल बन सकते हो। बस इसको लास्ट तक आपको देखना है, और हाँ, अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, है ना, नहीं अच्छा लगेगा डिसलाइक मार देना, ठीक है। ये कक्षा 12 बहुत टाइम लगा भाई वीडियो बनाने में, ये कक्षा 12 हिंदी 2024 के लिए स्पेशल है। ये यूपी बोर्ड के लिए, किसके बोर्ड के लिए, कौन से बोर्ड, यूपी बोर्ड, पहले बता दे रहा हूँ। 100 नंबर बिल्कुल पक्का, एक भी आपका नंबर नहीं कटने दूंगा, क्योंकि एक एक नंबर का कीमत होता है मेरे दोस्त। बस सिर्फ आपको अच्छे से देखना है, टाइम हो देखिएगा, नहीं तो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन देख जरूर लीजिएगा। इसमें हिंदी गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं, ट्रिक से बताऊंगा, हिंदी पद्यांश का ट्रिक बताऊंगा, बहुत ज्यादा ट्रिक बताने वाला हूँ। टाइम भले ही लगेगा, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आज देखते हो तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर हिंदी में ना, कि फोड़ के आओगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसे होता है जो बार बार पूछा गया होता है, बिना पढ़े 100% रियल, मैं एकदम बता रहा हूँ, ये कोई फेक नहीं है। एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। बस सिर्फ आपको लास्ट तक बने रहना है, पूरा हिंदी खत्म है, पूरा हिंदी मात्र एक वीडियो में, ऐसा आपको मिले कहीं नहीं मिल सकता। और इम्पॉर्टेंट साथ साथ में बता रहा हूँ, दम है तो भूल कर दिखाओ, पूरा पूरा एग्जाम में यहीं से छपेगा। रटना नहीं, समझना है, अब नहीं देखना होगा, क्या अब नहीं देखना होगा कोई भी वीडियो, अब इसके बाद से कोई वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा। तो चलो, पूरा पूरा छाप देना, यही आएगा, जी हाँ यही आएगा। अब देखो, ये है पेपर, तो पेपर आपको पता ही है भाई 2023 के लिए है, है ना, 2023। अब देखो, चलो यहाँ से बताता हूँ। देखो, खंड का में एक एक नंबर वाले 10 क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले उसी का ही समाधान कर लिया जाए। तो चलो, सबका समाधान लेकर आया हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगला क्या, अभी स्टार्ट है, प्रयोगवादी, क्या प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रयोगवादी कविता यानी प्रयोगवादी जो प्रयोग करने वाला है ना, प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं, कौन है, अज्ञेय हैं, कौन है, अज्ञेय हैं। आसान तरीके से एकदम बताऊंगा, टेंशन मतलब अभी ट्रिक भी इसमें बताऊंगा मैं, ठीक है। निम्नलिखित में राम भारती शाखा के कौन नहीं है, कवि शाखा के कवि कौन नहीं है, इसमें चार ऑप्शन रहेगा। तो मेरे दोस्त देखिए, नंददास जो है वो राम भक्ति शाखा के कवि नहीं थे, कौन, नंददास, ये बहुत बार पूछा गया है और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बस राम भक्ति शाखा पढ़ लिया, अच्छा राम भक्ति शाखा था तो तुरंत टिक कर दिए, लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा है नहीं है, ध्यान सुनिएगा, नहीं है, मतलब नंददास जी राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, ठीक है, ऐसे रहेंगे, चार पांच तीन और दिया रहेगा वो रहेंगे, नंददास नहीं रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1943 ईस्वी, क्या है, 1943 ईस्वी तार सप्तक प्रकाशन वर्ष है, ध्यान सुन लीजिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1943 ईस्वी है। नेक्स्ट है, हिंदी एकांक साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण युग कौन सा, स्वर्ण मतलब सोना वाला युग, कौन से काल को कहा जाता है बताइएगा, तो स्वर्ण युग, अब स्वर्ण कब होता है, भक्ति काल में, किसमें, भक्ति काल को ही हम क्या बोलते हैं, किस काल को, भक्ति काल को ही हम स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग का काल था वो, क्या, कौन सा काल था, स्वर्ण युग वाला काल था, भक्ति काल बोलते हैं, ठीक है। साकेत, ध्यान सुनिएगा, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं, किसके, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण है, कौन है, मैथिली शरण गुप्त है, किसके, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं, कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं, ध्यान सुनिएगा, क्या है, साकेत जो है उसके रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त है। साहित्य लहरी के रचयिता, ध्यान सुनिए, साहित्य लहरी, क्या,
साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास हैं। कौन है? सूरदास। तो सूरदास क्या है? साहित्य लहरी के रचयिता हैं। किसके? साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? सूरदास हैं। कौन है? सूरदास हैं। कितनी नावों में कितनी बार रचना के कवि हैं? कितनी नावों में कितनी बार रचना के कवि हैं? कौन है? रचना के कवि कौन है? अज्ञेय जी हैं। यानी क्या नाम है उनका पूरा? सच्चिदानंद, हीरानंद, हीरा सच्चिदानंद। देखो बोरिंग सा लग रहा होगा आई थिंक, लेकिन अभी जो आपको ट्रिक बताऊंगा तब मजा आएगा। क्या हुआ? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। वात्स्यायन क्या है पूरा नाम? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। क्या है? वात्स्यायन, स्यायन। और इनको अज्ञेय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? अज्ञेय भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, कितनी नाम में कितनी बार रचना के कवि कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अज्ञेय भी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीतिमुक्त। क्या? रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ध्यान सुनिए, रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। एट वाला देखिएगा, तो कौन है? घनानंद। कौन है? घनानंद। घनानंद जो है रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। कौन है? रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। कौन है? घनानंद है। नेक्स्ट आपका तार सप्तक के संपादक। ध्यान सुनिए, तार सप्तक के संपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? तार सप्तक। ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तार सप्तक के कौन है संपादक? अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय हैं। कामायनी, भाई ये सब तो ट्रेन चलता है इनके नाम से, अभी तो ये तो पता होना चाहिए मेरे दोस्त। कामायनी महाकाव्य की रचयिता है। तो कामायनी महाकाव्य की रचयिता है क्या है बताइएगा? कौन है रचयिता? कौन है? यहाँ लिख दो कौन है। तो कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, कामायनी महाकाव्य की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्लियर हो गया? कामायनी महाकाव्य की रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। सुमित्रानंदन पंत, ध्यान सुनिए, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वो कौन सी रचना है जिसपे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस पे मिला था? चिदंबरा। चिदंबरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदंबरा पे। किस पे मिला था? चिदंबरा। कामायनी महाकाव्य में स्वर्गों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कामायनी महाकाव्य। कामायनी क्या है? जो जयशंकर प्रसाद जी। अच्छा, कामायनी कौन लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी। अच्छा, उसमें महाकाव्य में स्वर्गों की संख्या कई बार पूछा गया है मेरे दोस्त, 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। तो कामायनी महाकाव्य में स्वर्गों की जो संख्या होती है वो कितना होता है मेरे दोस्त? 15 होता है। यामा रचना है। यामा किसकी रचना है भाई? बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जो महादेवी वर्मा जी, महादेवी वर्मा की रचना क्या है? यामा। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है विनय पत्रिका के रचयिता है। किसके? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास। तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन है मेरे दोस्त? तुलसीदास हैं। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तुलसीदास। गंगावतरण के रचयिता है। किसके? गंगावतरण के रचयिता है जगन्नाथ दास। कौन? जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास, जगन्नाथ दास और रत्नाकर। ठीक है, तो गंगावतरण के रचयिता है कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। क्लियर हो गया 15 नंबर तक? गंगावतरण के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। 15 नंबर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलो जल्दी दौड़ते हुए देखिएगा ध्यान से। तीसरा सप्तक किसका? कौन सा? तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। वर्ष बताना है, सन बताना है। सन कितना है? 1959 है तीसरा सप्तक। अच्छा, एक वीडियो लाऊंगा ना, उसमें पहला कब है सप्तक का प्रकाशन और दूसरा कब है, तीसरा कब है, सब लेकर आऊंगा एक वीडियो में। छोटा सा वीडियो रहेगा 4-5 मिनट का, उसमें मैं सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, सन 1959। वैसे जितना इंपॉर्टेंट है सारा इसी में क्लियर कर दे रहा हूँ। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है, किस पे कौन सा वह चीज था, वो क्या लिखे थे जिस पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस पे? उर्वशी पर। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पे? उर्वशी पर। ठीक है, उर्वशी पर ज्ञानपीठ, रामधारी सिंह दिनकर को किस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी पर। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को जिस काल को रीतिकाल कहा है उसे श्रृंगाल काल नाम दी। किस काल को हुआ ना? रामचंद्र जो शुक्ल है 18 नंबर देखिएगा, वो कौन सा था? क्या वो कौन से थे
ध्यान से पहले क्वेश्चन समझिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को किस काल को कृत काल कहा है, उसे श्रृंगाल काल नाम दिया, मतलब वो कौन से कवि है जिसको रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल दिया उसे श्रृंगार काल नाम दिया है, कौन वो कौन कवि है जिस उसी चीज को श्रृंगार काल नाम दिया है, वो कौन से कवि है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, कौन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, कौन रामचंद्र शुक्ल ने, ये आ गया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, किसको माना जाता है सरहपा को, किसको सरहपा का क्या है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अगला है अष्टछाप, अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की, क्वेश्चन नंबर 20, वो कौन से भक्ति काल है जिसमें अष्टछाप के कवियों का संबंध है, वो कौन से भक्ति काल है, कौन है कृष्ण भक्ति, कौन है कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंध है, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंध है, ठीक है। अगला है हिंदी साहित्य के काल, हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए बीज वपन काल नाम दिया, बीज वपन काल नाम दिया, हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए, आदि काल के लिए बीज वपन काल नाम दिया है, वो कौन सा चीज है बताइएगा। पहले क्वेश्चन को समझ जाइए क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीजोपन काल नाम दिया है, आदिकाल के लिए बीजोपन वो कौन थे आचार्य महावीर थे, आचार्य महावीर प्रसाद थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला है सुमित्रानंदन पंत को, ध्यान सुनिएगा, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला, वो कौन सी कृति है, वो कौन सी कृति है जिसमें सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, वो कौन सा कृति है बताइएगा, कौन सी कृति है, कला और बूढ़ा चांद पर, किस पे कला और बूढ़ा चांद पर, वो सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृत पर मिला, कला और बूढ़ा चांद कृत पर मिला है उन्हें। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र जो है ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं, किसके ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे, चलो बताओ आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे बद्री नारायण चौधरी। देखिएगा ध्यान से, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। रानी केतकी की कहानी की रचयिता बताइएगा, रानी केतकी की कहानी की रचयिता बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा, इंसा अल्लाह खां, ध्यान सुनिएगा, इंसा अल्लाह खां क्या है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है, इंसा अल्लाह खां है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, आप बताइएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की है, आत्मकथा, किसमें अपना खुद का कथा है, आत्मकथा, इसे याद करने का तरीका मेरे दोस्त आत्मकथा विधा की रचना है। तितली उपन्यास की रचनाकार है, तितली उपन्यासकार के रचयिता है कौन है, जयशंकर प्रसाद जो है तितली उपन्यास के रचनाकार हैं, ठीक है, तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 27 तक क्लियर, 28 नंबर देखते हैं नेक्स्ट पेज में, चलो 28 देखिएगा ध्यान से, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं, ध्यान सुनिएगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त पढ़ लेना, परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, वो हिंदी का प्रथम यानी पहला मौलिक उपन्यास है। नेक्स्ट है अवारा मसीहा के लेखक विष्णु, देखो अवारा फिर मसीहा दो है ना, मतलब ऐसे विष्णु प्रभाकर, नाम तो एक ही है यार, अवारा मसीहा एक है विष्णु प्रभाकर, मैं तरीका बता रहा हूँ याद करने का, आप अपना तरीका बताइए ना, अपना ट्रिक लगाइए और कमेंट भी कर दीजिए जिससे दूसरे को भी फायदा हो जाए। नेक्स्ट आपका द्विवेदी,
युग के लेखक हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, द्विवेदी युग के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह जो है वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं। किस पे? कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक कौन है? कौन है कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक, बताइएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार, रसज्ञ रंजन ध्यान से लीजिएगा, 33 नंबर। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है ना। ये भी द्विवेदी, ये भी द्विवेदी। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो काशी, काशी कहाँ है? बनारस में। काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन है? काशी नागरी यानी काशी यानी बनारस है, ऐसे याद करेंगे। कौन है? बाबू जी थे बाबू श्याम सुंदरदास। श्याम सुंदरदास कौन थे? बाबू श्याम सुंदरदास हैं। काशी नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक कौन है? बाबू श्याम सुंदरदास। चिंतामणि के रचनाकार हैं, ध्यान सुनिए। चिंतामणि कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी तो चिंतामणि के रचनाकार हैं, ठीक है। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। एक अगला है हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक क्या है? कौन है? बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, याद कर लेना। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। कवि वचन सुधा के पत्रिका के संपादक कौन थे? कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद। भारतेंदु हरिश्चंद थे, हरिश्चंद्र, ठीक है। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला है निंदारस रचना है, किसकी रचना है? निंदारस किसकी रचना है? निंदारस हरिशंकर जी का रचना है। किसका? हरिशंकर परसाई का रचना है। हरिशंकर परसाई का रचना है, ठीक है। अगला है भाषा और आधुनिकता, ये तो आपको पता होगा है। भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं। भाषा क्वेश्चन नंबर 39 है। भाषा और आधुनिकता निबंधकार के रचनाकार हैं। कौन है? प्रो जी सुंदर रेड्डी। ये तो आपको पता होगा शायद, जब 12 में पहुंच गए हो तो ये तो पता होगा है। प्रो जी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो 39 तक क्लियर, 40 देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलो, कहते हैं ना वीर तुम बढ़े चलो है, तो वैसे वीर तुम बढ़े चलो, छात्र तुम बढ़े चलो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, समझ लो मेरे दोस्त, फिर ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा और ये वीडियो भी शायद आपको ना मिले फिर जल्दी कहीं, है ना। ये बहुत टाइम लगा, इतना आसानी के साथ ये वीडियो नहीं बना है। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं बहुत खोजबीन करने के बाद, ठीक है। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, राम कुमार वर्मा जी। कौन है? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा जो है हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। सदल मिश्र के लेखक, बताइएगा। सदल मिश्र के लेखक कौन है? नासिकेतो पाख्यान है। कौन है? नासिकेतो पाख्यान। किसके? सदल मिश्र के लेखक कौन है? नासिकेतो पाख्यान है। स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं। किसके? स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद क्या है? स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। परीक्षा गुरु क्या? परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास क्या है? परीक्षा गुरु के लेखक हैं, ठीक है। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास। मेरी असफलता है रचना की विधा है। रचना की विधा है, कौन है इसकी रचनाकार? कौन है? क्या है इसकी रचना की विधा? आत्मकथा है। क्या है मेरे दोस्त? आत्मकथा है, ठीक है। नेक्स्ट है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। द्विवेदी युग के लेखक है सरदार जो पूर्ण सिंह है, वो किस युग के लेखक है? द्विवेदी युग। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अच्छा, इसके बाद क्या आता है मेरे दोस्त? देखो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला है गद्यांश, दिखा दे रहा हूं मैं। देखो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश में नहीं, मैं दूसरा गद्यांश लेकर आया हूं जो कि देने वाला हूं। देखो 5 क्वेश्चन रहता है इसमें, ठीक है। ऑप्शनल रहता है, ऑप्शनल नहीं होता है, मतलब कंपलसरी होता है। इसी में से देख के इसमें से आंसर बताना होता है। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, मैं उसको लेकर आया हूँ और वो चीज़ आपका सिखाऊंगा। देखो अच्छा, वो कौन सा चीज़ है ये देख लो।
ये इसको पढ़ के अब इसी में से, ये बहुत बार पूछा गया मेरे दोस्तों, अब इसी में से आंसर भी छाटना है और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो इतना बड़ा पैराग्राफ देखते ही डर मत जाइयो, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले इसको देख लो क्वेश्चन को, है क्वेश्चन को देख के फिर उसी हिसाब से हम आगे काम करते हैं। देखो सबसे पहले जो मूर्खता करते हैं बच्चे ना, देखते हैं चलो स्टार्ट करता हूँ, पहले इसको पढ़ लेता हूँ क्या क्या लिखा है। अरे नहीं यार मत पढ़ो, अभी मैं समझा रहा हूँ कैसे पढ़ना है ना, सब कुछ बताऊंगा, एक चीज टेंशन मत लो बस। देखो राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादाद में प्राप्त किया, किसके साथ तादाद में प्राप्त, अच्छा तादाद में क्या होता है भाई, मुझे तो नहीं पता है तादाद में क्या होता है, बहुत अच्छा जो आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं हल्का सा कमी छोड़ दिया हूँ तो उसको पूरा कर देता हूँ। यहाँ पे था, यहाँ से है क्या जो है रेखा खींची हुई है, कहाँ तक खींची है, अजर अमर तक, क्या यहाँ तक अजर अमर है। तो इसको मैं अगर पूरा कर दूँ तो ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगने लग जाएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन देख के तुम लोग के दिमाग में यही आ गया होगा भैया पहले क्वेश्चन तो पूरा कर दो, तो कर दे रहा हूँ टेंशन मत लो, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब चलो स्टार्ट करता हूँ। अब क्वेश्चन है क्या तादाद में, अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन में कि क्या कॉमन है, कॉमन मतलब सबसे अलग है, अलग क्या है ये देखो तादाद में तुम्हें अलग दिख रहा है। अब इसमें सिर्फ हम खोजेंगे तादाद में कहाँ है, सिर्फ यही खोजेंगे जो सबसे कॉमन दिखेगा, तो तादाद में इसमें चलो खोजते हैं। देखो सिर्फ तादाद में पढ़ेंगे नहीं भी नहीं, तादाद में यहाँ मिल गया और देखो कहीं नहीं, तो दिमाग में टिक कर लेना और पेंसिल से उस पर मत कर देना कभी पेपर में, नहीं तो निकाल देंगे बाहर फेंक देंगे उठा के तुम्हें। तादाद में मिल गया, अब क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे क्या था, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादाद में प्राप्त किया। अब पढ़ेंगे यहाँ से, जहाँ से ये खत्म होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद में प्राप्त किया, तब तो आपको मिल गया होगा कि राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ, किसके राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ क्या है तादाद में प्राप्त किया, बस इतना ही लिखना था। चलो लिख लेते हैं, पहले का आंसर मिल गया उत्तर का, लिख लो, लिखोगे क्या, आपके सामने लिख रहा हूँ ना, आप बोलोगे भैया राष्ट्रीय क्यों जोड़ रहे हो, वो क्यों नहीं लिख रहे हो, समझा रहा हूँ थोड़ा सबर कर लो। राष्ट्रीय जन ने भूमि, क्या भूमि के साथ तादात में प्राप्त किया है, क्या है तादात में प्राप्त किया है, ठीक है। अब देखो सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन, अब देखो यहीं से राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादाद में प्राप्त किया, थोड़ा आगे पीछे करके अगर लिख दोगे ना मजा आ जाएगा यार, मजा आ जाएगा, अगर सेम सेम छाप दोगे ना नंबर हो सकता है कट जाए, लेकिन अगर पूरा पूरा अलग से थोड़ा आगे उसी में देखो यार कुछ भी नहीं किया, राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तादाद में प्राप्त किया, कितना ईजी है, बस वही चीज तुम्हें यहाँ पे लिखा हूँ, कुछ अलग थोड़ी ना है, कोई अलग है क्या आप बताओ, नहीं ना। चलो हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, अभी तक मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ा हूँ क्या, नहीं बल्कि पैराग्राफ कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ, सिर्फ मैं तादाद में खोज रहा था पढ़ते पढ़ते, तो मुझे मिल गया, तब उसके आगे वाला थोड़ा पढ़ लेते हूँ, ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर, अब ये चीज क्या है यूनिक मिल गया अमर, अब हम इसमें खोजेंगे कि अमर कहाँ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है चलो खोजते हैं अमर, पूरा ऊपर से खोजेंगे, जब भी खोजेंगे ऊपर से, सिर्फ अमर अमर देखो इसमें कहाँ लिखा है, ठीक है ठीक है, राष्ट्रीय जन अमर यहाँ मिल गया, फिर अजर अमर यहाँ पर मिल गया, ठीक है दो दो जगह मिल गया ना, मैं मेरा दिमाग यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर गया, ठीक है तो दो दो जगह अमर आपको मिल गया है, थोड़ा मैं जूम इन करना चाहूँगा, जूम आउट करना चाहूँगा, हाँ ठीक है अब सही है, मैं नीचे का हटा ही देता हूँ, ठीक है अब ठीक संतुष्ट खुश, हाँ तो राष्ट्रीय जन, अब मुझे दो दो जगह अमर मिल गया, अब मैं फिर से क्वेश्चन देखूंगा, अब क्या है राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है, अब इसको पढ़ूंगा अमर के पहले से, देखो जब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, राष्ट्रीय जन का क्या है जीवन भी अमर है, इतिहास के आते अनेक उतार चढ़ाव आते, अजर अमर है यहाँ पर भी अजर अमर है, अब इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे डीपली जाएंगे इसमें, ठीक है अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अमर अमर दो जगह मुझे मिल गया, अब इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे है ना। अब अमर के ऊपर से देखो, देखो यहाँ से जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती रहेंगी तब तक हमारा जीवन क्या रहेगा अमर रहेगा, यानी कि जब तक कि सूर्य की किरणें जो प्रातः काल क्या निकलता है सूर्य की किरणें ना, सूर्य की किरणें निकलती रहेंगी तब तक हमारा क्या होगा प्रातः काल में संसार को क्या होते रहेगा अमृत से भरती रहेंगी, क्या करती रहेंगी अमृत से भरती रहेंगी, ठीक है अमृत से भर देती रहेंगी, कब तक जब तक सूर्य की किरणें जो है नित्य प्रातः काल से संसार को अमृत से भरती रहेंगी तब तक जो हमारा राष्ट्रीय जीवन है वो क्या रहेगा अजर अमर रहेगा, बस यही चीज आपको लिखना है कुछ नहीं है, ठीक है
चलो लिख लेते हैं, यहाँ लिखो ख। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बोलोगे भैया क्या मैं भी इसको रटूं क्या? नहीं यार, अपने हिसाब से आप बना के लिखो, कोई जरूरी नहीं मेरा होना चाहिए। क्या है कि जब तक सूर्य की किरणें, उसी में से लिख रहा हूं आगे पीछे करके बस, है ना, सूर्य की किरणें प्रातः काल मतलब सुबह सुबह इस संसार को अमृत से भरती रहेंगी, जब तक सूर्य की किरणें प्रातः काल इस संसार को अमृत से भरती रहेंगी, तब तक यह राष्ट्रीय जन का जीवन अमर रहेगा। क्या रहेगा? अमर रहेगा। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, राइटिंग मेरा बहुत खराब है। ठीक है, राइटिंग मेरा बहुत खराब है, समझ आ गया? बस वही चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नहीं तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है, जन का सतत प्रवाही जीवन किसके समान है? किसके? सतत प्रवाही। अब हम उसमें खोजेंगे सतत प्रवाही कहां पर लिखा हुआ है। चलो ऊपर से खोजेंगे, जब भी रहता है सतत प्रवाही, सतत प्रवाही, सतत प्रवाही, यही रटेंगे और देखेंगे इसमें कहां पर लिखा है। ठीक है, एक एक लाइन में फटाफट, ये देखो सतत प्रवाह मिल गया और कहीं पे है नहीं। देखो जन का, अब फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जन का सतत प्रवाह जीवन किसके समान है, वो कौन है, किसके समान है ना। सतत प्रवाह, जन का सतत प्रवाह जीवन नदी के प्रवाह की तरह है ना, तब लिख सकते हैं कि जो सतत प्रवाह जीवन है वो क्या है, जन का सतत प्रवाह जीवन किसके समान है, किसके समान है, नदी के प्रवाह के समान है। बड़ा आसान है, आसान है कि नहीं, नदी के प्रवाह के समान है। तो चलो ग का लिख लीजिए, क्या है, जन का सतत प्रवाही जीवन किसके समान है, किसके समान है, जीवन नदी के प्रवाह। ठीक है, प्रवाह, देखो जन का सतत प्रवाही जीवन नदी के प्रवाह के समान है, प्रवाह के समान गतिशील है। क्या है? गतिशील है, यानी चल रहा है। जन का जो सतत प्रवाही जीवन है वो नदी के प्रवाह के समान गतिशील है, चल रहा है। ठीक है, समझ है? अगला है, देखो ये क्लियर, ये क्लियर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, है ना, रेखांकित मतलब जिसके नीचे रेखा खींची गई हो उसकी व्याख्या करना है। तो चलो करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को करते चलेंगे, जैसे दो नंबर यहाँ से कंफर्म, दो नंबर यहाँ से, दो नंबर, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर ऐसे लिख देंगे, एक भी नंबर नहीं, थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट करके, मेरा सेम नहीं, आप अपने हिसाब से बना के लिखिएगा। क्या आप अपना खुद बना के लिखिएगा, मेरा क्यों करोगे चीटिंग, है मेरा क्यों करोगे, आप तो खुद ही बहुत बड़े हो, खिलाड़ी आदमी है, बहुत बड़े खिलाड़ी आदमी हो, तो आप खुद अपने हिसाब से करिएगा। तो रेखांकित अंश की चलो व्याख्या करते हैं। तो मतलब जिसके नीचे रेखा खींची गई है उसका हमें क्या करना है मेरे दोस्त, व्याख्या करना है। क्या करना है? व्याख्या करना है। चलो अच्छा, चलो बस ये था। अब क्या है, देखो क्या यही, यहाँ से जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, मतलब कि जब तक सूर्य की किरणें सुबह सुबह यानी प्रातः नित्य प्रातः काल में क्या है, अमृत को भरती रहेंगी, तब तक जीवन राष्ट्रीय जन का जो जीवन है वो हमारा क्या रहेगा, अमर रहेगा। जो ये बता रहा हूँ लिखने वाला चीज है, इसी में से देखो आगे पीछे करके बता रहा हूँ, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन, तो क्या लिखेंगे, इतिहास के कई ऐसे उतार चढ़ाव हैं जो राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, यानी आगे बढ़ने के लिए हमेशा क्या है, अग्रसर है। जो राष्ट्र की निवासी मानव नवीन उठती हुई लहरों के से आगे निकलने के लिए ना, वो अजर अमर। अब बोलोगे भाई ये क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा मेरे दोस्त। इसी में से यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपको आगे पीछे करके लिखना है, बस अब समझ गए, दो नंबर किसी की औकात नहीं, आपको काट दिया, दो नंबर नहीं कटेगा, बस सिर्फ ऐसे लिखना है ना। लिखो घ, घ लिख लिए, घ लिख लो, क्या लिखोगे, घ, घ का कैसे करेंगे, चलो घ से घड़ी वाला घ, चलो जी घ को कैसे करेंगे, वही कि जब तक मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलो लिख लिया मैंने कि जब तक सूर्य प्रातः काल उदित होकर संसार को अमृत रस से भरता रहेगा तब तक राष्ट्रीय जन जीवन अमर रहेगा, इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव आएंगे फिर भी राष्ट्र निवासी मानव जीवन उठती हुई लहरों से आगे निकलने के लिए अजर अमर रहेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से
आगे पीछे करके वही लिखा हूँ, और आप भी लिख सकते हो आगे पीछे करके, नहीं तो आप उसको पूरा उतारना चाहते हो मेरे दोस्त, पूरा मत उतारना, थोड़ा सा आगे पीछे कर देना जिससे कि दो नंबर आपको मिल जाए। यही सब ट्रिक है, यही सब सुझाव है, और यही सब बताने के लिए आपको पूरा इतना बड़ा वीडियो में लेकर आज आया हूँ, ठीक है। गर्मी में बैठ के बना रहा हूँ दोस्त। अब क्या करना है, अब बता रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा देता हूँ कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नामोल्लेख करो। जो दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक कौन है इसके, है ना, है ना, तो लेखक और शीर्षक, चलो लिखो, उपयुक्त गद्यांश, उपयुक्त गद्यांश। अच्छा आपको ऐसे पता चलेगा ये किस प्यार से है, चलो इस बार पढ़ते हैं इसको। जन का प्रवाह अनंत राष्ट्र अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय 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 मिलकर मतलब राष्ट्र के जीवन मतलब राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। अभी इतना पता चल जाएगा ना, इसे पढ़ने से पता चल जाएगा। अगर राष्ट्रीय आपको कहीं मिल गया तो समझिएगा कि राष्ट्र के प्रवाह क्या, राष्ट्र के प्रवाह नामक पाठ से, सॉरी राष्ट्र के स्वरूप, हाँ स्वरूप है ना, राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय वहां मिल गया, फिर ऐसे और पढ़ेंगे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मिल जाएगा। अगर नहीं मिल भी रहा है तो एक जगह तो मिल गया ना, तो समझ जाइएगा कि ये राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। तो उपयुक्त गद्यांश राष्ट्र के स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है, लिया गया है। इसके लेखक कौन है, जिसके लेखक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जी हैं, इसको याद कर लो, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, अग्रवाल है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आई होप आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। तो गद्यांश आपको एकदम, कोई भी डाउट तो भाई साहब कमेंट कर सकते हो, कमेंट एकदम खुला ही रहता है हमेशा, बंद तो एक बार भी नहीं करता कमेंट को, तो भाई भर दो कमेंट से यार, देखता हूँ तुम्हारे में कितना पावर है, ठीक है। अब हमारा आ गया पद्यांश का। अच्छा इसमें से दिखा दो भैया, देखो गद्यांश क्लियर होने के बाद दो गद्यांश रहेगा, दो में से एक करना होगा, फिर आ जाइए पद्यांश पे। पद्यांश ये रहे, देखो ये दो में से एक करना है, यहाँ पर भी आपको 10 नंबर मिलेगा। तो मैं एक पद्यांश लेकर आया हूँ, क्या कर लेकर आया हूँ, एक पद्यांश लेकर आया हूँ और उसको दिखा देता हूँ, ठीक है। तब आपको देखो यहाँ पर है, दिखा भी देता हूँ, देखो मेरे प्यारे नवजलत से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरे सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना। अब इसको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तब आपको इसका सोल्यूशन भी बता दूंगा, ठीक है। चलो जी दिखा देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पर है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाते, चलो पढ़ते हैं। मेरे प्यारे नवजलत से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना। मतलब किसके द्वारा राधा किसके द्वारा भेज रही है, मेरे प्यारे नवजलत, नवजलत से कंज वाले नेत्र, मतलब कंज से नेत्र वाले बता रही है कि मेरे ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। फिर जाके आए न मधुबन से और ना भेजा संदेशा, अभी तक वो चले गए हैं तो अभी तक संदेशा उनका नहीं आया है, क्या जो मेरे राधा, राधा कहती है मेरे प्यारे, मेरे प्यारे क्या, मेरे प्यारे श्याम, जो श्याम मतलब उनके जो थे हा? राधा कृष्ण जो जानते ही हो, श्याम की आवाह का नीरद तुल्य है, है ना, जो उनका नेत्र है वो कंज से है एकदम, ठीक है। उनके नेत्र क्या है, कंज मतलब नील कमल जैसे है ना, नील कमल जैसे सुंदर है, क्या सुंदर है, नील कमल जैसे सुंदर है। जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा, वो मतलब संदेशा नहीं भेजने वाले, वो संदेशा नहीं भेजते हैं, है ना। एवं बीता जो बसंत है ना, जिसे बसंत बीत जाता है वो कभी नहीं लौट के आता। जैसे अभी बरसात का मौसम है, बरसात चला जाएगा फिर जल्दी नहीं आएगा, गर्मी का मौसम चला जाएगा फिर जल्दी नहीं आएगा, एक साल बाद आएगा। वैसे ये भी हैं मेरे श्याम जो हैं, वैसे हैं कि वो चले गए हैं, अभी तक वो संदेशा भेजने वाले भी नहीं है। किसके समान, किसके समान भैया जल्दी बोलिएगा, किसके समान, जैसे बसंत आता है ना, बसंत लौट जैसे नहीं आता है, वैसे वो भी है ना, बसंत के जैसे उनका स्वभाव वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा राधा किसके द्वारा, पवन के द्वारा, किसके द्वारा भेजने के लिए बोल रही है, पवन के द्वारा। चलो आंसर लिखते हैं डायरेक्ट है, लिखो का में क्या लिखेंगे कि राधा पवन, राधा पवन के द्वारा, राधा पवन के द्वारा कृष्ण को संदेश
क्या कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? किसके द्वारा भिजवाती हैं? कृष्ण को संदेश भिजवाते हैं किसके द्वारा? राधा पवन के द्वारा भिजवाती हैं। किसके द्वारा भिजवाती हैं? पवन के द्वारा संदेश भिजवाती हैं। बस इतना ही आंसर था। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? भाई कैसा है कृष्ण का सौंदर्य? कृष्ण का सौंदर्य कैसा है बताइएगा, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? देखो इसमें नेत्र वाले किसके, नवजलद से कंज के नेत्र वाले जैसे हैं, ठीक है। नवजलद यानी कृष्ण जो है नवमेघ की आभा वाले हैं, है ना, जैसे जो चीज बीत जाता है वो फिर वापस नहीं आता, जैसे वैसे ही है वो भी, ठीक है। नील कमल के समान नेत्र वाले हैं, तथा जो बसंत बीत जाता है, जैसे बसंत बीत जाता है और वापस जल्दी नहीं आता, वैसे वो है, और वो संदेशा भी भेजने वाला नहीं है, वैसा ही उनका स्वभाव है। तो स्वभाव पता चल गया कि वो बसंत की तरह है, मतलब बसंत बीत जाता है फिर नहीं वापस आता है, वैसे ही है, और वो चले गए हैं तो वो संदेशा भी भेजने वाले नहीं है। समझ आ गया? वही चीज इसमें लिखना है कि लिखो कृष्ण नव जलद, क्या नव मेघ के समान, ठीक है, नवमेघ की आभा वाले हैं, आभा वाले हैं, ठीक है, नवमेघ की आभा वाले हैं, नील कमल के समान, नील कमल के समान, नील कमल के समान नेत्रों वाले हैं, नेत्रों वाले हैं, तथा जो बसंत, तथा जो बसंत ऋतु जाने के बाद, बसंत ऋतु जाने के बाद, बस जो बसंत ऋतु, जो बसंत ऋतु जाने के बाद पुनः न आए, ठीक है। तो वही चीज लिख रहा हूं कि तथा जो बसंत ऋतु जाने के बाद, क्या बसंत ऋतु जाने के बाद पुनः न आए, पुनः ना आए, राइटिंग पे ध्यान मत देना, सुन लो सिर्फ, है ना, ना आए, ऐसी स्थिति वाले हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति वाले हैं, ठीक है, स्थिति वाले हैं। फिर और तथा उन्होंने कोई संदेशा तक नहीं भेजा, कोई संदेशा तक नहीं भेजा, बस ऐसे ही लिखना है, बस ऐसे हैं वो, ठीक है, संदेशा ना भेजने वाले हैं, ठीक है। अब अगला देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन, इतना लिख दोगे हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करो। अब रेखा कहाँ खींचा गया है? रेखा यहां से लेकर है, यहां से ये भी है, यहां तक है, व्याख्या करो। चलो इसका व्याख्या करके, वही एक मेरे जो प्यारे हैं श्री कृष्ण को कहते हैं, राधा जो है, राधा जी कहते हैं, जो मेरे प्यारे श्याम हैं, उन्होंने जैसे वो किसका समान है, किसके ना आंख उसका के समान है, नील कमल, नील कमल जैसे सुंदर है, वे संदेशा भेजने वाले नहीं है, मतलब वो संदेशा भेजते नहीं है, जैसे जिस प्रकार से बसंत कभी ना लौटे वैसे स्वभाव उनका है। बस यही चीज लिखना है, तो चलो मैं लिख के बताता हूँ जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। चलो देख लेते हैं, मैं लिख लिया हूँ इसका। देखो राधा कहती कि मेरे प्रिय श्याम की आभा नौ नीरस तुल्य है, उनके नेत्र नील कमल जैसे सुंदर है, वे संदेशा नहीं भेजने वाले हैं, एवं बीता बसंत कभी न लौटे जैसे स्वभाव वाले, जैसे जिस प्रकार से बसंत बीत जाता है और वापस नहीं आता है, उस प्रकार से उस स्वभाव वाले मेरे कृष्ण है, ठीक है। नेक्स्ट है, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा कैसी है, ठीक है, राधा क्या हो रहे हैं, रो रो के पागल हो रहे हैं, वही उनका मनोदशा है। देखो राधा के कैसे, मैं रो रो कर, मैं कौन, राधा कह रही है, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, बस लिख दो बावली मतलब पागल हो रही हूँ, यही लिखना है। राधा बोल रही है कि मैं रो रो के पागल हो जाऊंगी, क्या मैं रो रो के क्या हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगा। अच्छा किसके याद में, किसके याद में, वो भी बता दो, कृष्ण जी के याद में है, कृष्ण जी के याद में, और बहुत ज्यादा दुखी भी हैं। वही चीज तो यहाँ लिखा हूँ, राधा जी श्री कृष्ण के वियोग में रो रोकर पागल सी हो रही हैं, तो बहुत दुखी हैं, क्या बहुत ज्यादा दुखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, पद्यांश का शीर्षक और कवि पता रहना चाहिए, दो नंबर, तब यहां से देखो दो दो नंबर, यहां से दो 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 दो, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए आपका, अगर ऐसे लिख दे तो आगे पीछे करके वही सेम चीज मत छापना, आगे पीछे करके जो समझ में आ रहा है वही लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट है, शीर्षक कवि का नाम लिखना है, तो भाई साहब इसके कवि का नाम क्या है, देखो किस पाठ से लिया गया है, पवन दूत का पहला ही पाठ है, ठीक है। इसके लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ, इसको ब्लैक पेन से आपको करना है। आई होप आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या है,
इसके बाद है एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियां लिखिए, तो एक दिखा दूंगा, फिर ये दोनों पांच पांच नंबर का है जो कि दोनों एक एक करके मैं समझा दे रहा हूं आपको। चलो देखते हैं। चलो जी, ये देखो, यह ऐसे आपको लिखना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के महान लेखक थे। ऐसे लिखो मेरा, कह रहा हूँ कतई पांच नंबर से एक भी नंबर नहीं काट पाएंगे वो, कतई नहीं काट पाएंगे। अरे यार, जब लिखे रहोगे अच्छे से तो क्यों काटेंगे? उनको शौक थोड़ी लगा है नंबर काटने का, शौक उन्हें नहीं लगा है, वो सोचते हैं बच्चे अच्छा नंबर से पास हो। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? आचार्य हजारी पांच का हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के महान लेखक थे। द्विवेदी जी का जन्म सन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम, जो मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ उसको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है? इनके पिता का नाम क्या था जल्दी बता दीजिए। इनके पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी था। इनके पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी। और माता का नाम क्या था? माता का नाम था ज्योतिकली देवी था। ठीक है, फिर से देखो, द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिकली द्विवेदी था, तथा इनका देहांत सन कब हुआ था? इनका, अब देखो यहाँ से लिख दिया, यहाँ से साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय दोनों मिक्स किए, और किसी की औकात नहीं आपका नंबर एक भी काट देंगे। तथा इनके देहांत सन कब हुआ था? 1979। ध्यान रखना है, याद करने का तरीका देखो, 1907 था, 7 को इधर घुसका दो, ये 0 है, इस पे 9 लगा दो, क्या इसको 9 बना दो, 1979 है ना, 1979 यानी 79 एक का मत्सी में। ठीक है, इनका देहांत भी हो गया। ध्यान से समझ लेंगे, समझने का तरीका समझिए कैसे समझा जाता है मेरे दोस्त। जो द्विवेदी जी थे उनका जन्म 1907 में हुआ दुबे के छपरा, ठीक है, अनमोल द्विवेदी, इनके पिता का नाम, माता का नाम ज्योतिकली द्विवेदी था। इनका मृत्यु 1979 में, 7 आगे कर दीजिए, 0 को उधर करके 9 बना दीजिए उसको, है 0 को उधर करके 9 बना दीजिए। सबसे आसान तरीका, जैसे सुमित्रानंदन का आसान है वैसे इनका भी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तथा सन 1949 ईस्वी में इन्होंने डीलिट की भी उपाधि प्राप्त की। किसकी? डीलिट डिग्री होता है, ठीक है, डीलिट। तथा सन 1957 ईस्वी में भारत उपाधि से सम्मानित भी किया गया था इनको। किस, कौन सी उपाधि से? भारत उपाधि से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। आई होप आप इसको समझे होंगे, ठीक है। देखो, साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं, आधुनिक युग के गद्यकारों के आचार्य हजारी, मतलब इनका बखान करना है कि क्या क्या किया, और सच में बहुत बड़ा चीज कर दिए, बहुत बड़ा काम कर दिए हैं, ठीक है, तो वो लिखना है आपको। देखो, आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक अपना ही स्थान था, है, इसको आप कहीं भी लिख सकते हो, किसी के भी जीवन परिचय में। इनका साहित्यिक परिचय कुछ निम्न प्रकार है। देखो, आलोचक के रूप में इन्होंने क्या किया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान आलोचक भी थे। सूर साहित्य इनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। क्या? सूर साहित्य इनका क्या है? पहली आलोचनात्मक कृति है। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यास की रचना की है। कौन कौन से? बाणभट्ट की रचना, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पौधा। किसका? सॉरी यार, दिखा नहीं, एक मिनट में दिखा रहा हूँ, फिर से देख लो। बाणभट्ट की रचना, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पौधा। अनामदास का पौधा, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आगे देखिए, उपन्यास क्या है इनकी? पुनर्नवा, चारुचंद्रलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा इनकी उपन्यास। संपादक क्या है? पृथ्वीराज रासो, संक्षिप्त और संदेश। इतना लिखोगे पांच नंबर कोई नहीं काटेगा मेरे दोस्त। नंबर नहीं काटने के लिए बैठे होते हैं, नंबर देने के लिए बैठे होते हैं तो नंबर देंगे ही देंगे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखो आगे देखिए, यहां से हो गया। अब यहां से आपको सुमित्रानंदन पंत का बता दे रहा हूं। चलो देख लो यहां पे तुरंत, सुमित्रानंदन पंत का क्या कठिन है मेरे दोस्त? सबसे आसान अगर मैं मानूं तो आचार्य हजारी प्रसाद से भी आसान है सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय याद करना। बोलोगे भैया क्या बात करते हो, आप तो गजब गजब बात कर देते हो। बात गजब गजब नहीं मेरे दोस्त, सच बता रहा हूँ, कोई भी झूठ नहीं है इसमें, एकदम रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। कब? 1900 ईस्वी। अगर बोलोगे भैया तारीख ये बता दो, तारीख ये मत लिखो यार, तारीख क्या लिखना जरूरी है? अगर लिखना है तो लिख दो 21 मई। क्या? 21 मई को हुआ था इनका जन्म, ठीक है, लिखना हो तो लिख दो, नहीं लिखना है मत लिखो, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। ये इनका साहित्यिक परिचय है, ठीक है। अल्मोड़ा जिला के कौसानी नामक गाँव में हुआ था।
कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम, इनके पिताजी का क्या नाम था बताओ? पंडित गंगा दत्त पंत था। पिता का नाम इनके पंडित, ठीक है, क्या था? पंडित गंगा दत्त पंत, ठीक है। इनके पिता का क्या नाम था? पंडित गंगा दत्त पंत था, ठीक है। इनके जन्म के छह घंटे बाद ही इनके माता का देहांत हो गया। मतलब अब सोचो, छह ही घंटे बाद जिसकी माता का देहांत हो जाता होगा तो क्या बीतती होगी, है ना। तब उनका पालन पोषण कौन करेगा? तो उसके पिताजी करेंगे, दादी दादा जो रहेंगे वो करेंगे। बस ये चीज आपको लिखना, बना के लिखा जाता है यार, बना के लिखो, रटने वाली चीज नहीं होती हिंदी, बना के लिखो, ठीक है। तथा इनका पालन पोषण पिता और दादी के गोद में हुआ। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। क्या था? गुसाई दत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके अल्मोड़ा में ही हुआ, मतलब इनके अल्मोड़ा में ही हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा, मतलब इनके ही गांव में, इनके ही जिले में हुआ था, ठीक है, इनके ही जिले अल्मोड़ा में हुआ था। और उच्च शिक्षा इन्होंने बनारस, जो कि बोलते हो काशी ना, तो बनारस में इनका उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त हुआ? आके बनारस में, कहाँ पे? बनारस में, ठीक है, गए। और यहाँ से इन्होंने दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने बीए की परीक्षा के लिए इलाहाबाद, जिसको अब नाम हो गया प्रयागराज, क्या? प्रयागराज, ठीक है, अब क्या नाम हो गया? प्रयागराज, तो आप प्रयागराज भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बीए की परीक्षा के लिए इलाहाबाद यानी प्रयागराज में प्रवेश लिए, किंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया। मतलब परीक्षा नहीं दे पाई, इससे पहले ही इनका विद्यालय छूट गया। इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, यानी कि जो गांधी जी काम कर रहे थे, असहयोग आंदोलन छेड़े थे, तो उसी आंदोलन में सुमित्रानंदन पंत भी सम्मिलित हो गए, ज्वाइंट हो गए, ठीक है, जुड़ गए, ठीक है। फिर भारत सरकार ने इन्हें किससे पुरस्कृत किया था? भारत सरकार ने इन्हें 1,00,000 रुपए के भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना, से सम्मानित भी किया था। ध्यान सुनिएगा, तो ये भारत सरकार ने, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको 1,00,000 रुपए से भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले। इसको भी आप लिख दीजिएगा कि 1,00,000 रुपए से इन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या है, कौन सा पुरस्कार? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और अच्छा, भारत सरकार द्वारा इन्हें क्या मिला? पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। इनकी मृत्यु सन कब हुआ था? 1900 में जन्म हुआ था, 1956 में। सोचो 56 साल में इन्होंने क्या क्या करके क्या क्या दिखा दिया। और यहाँ 56 साल तक हम सब तो कुछ उखाड़ ही नहीं पाते, हम सब कुछ तो कर ही नहीं पाते, तो 1956 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। अच्छा, इनकी कृतियां जो है ये बता दो भैया, कृतियां क्या है? अच्छा, एक बार जीवन परिचय और बता दो। हाँ, जीवन परिचय यही है इनका। सुमित्रानंदन जो पंत थी, इनका 6 घंटे बाद इन जैसे पैदा हुई, सॉरी, सुमित्रानंदन पंत एक वो थे, लड़की नहीं थी, ठीक है, बार बार मैं हुई हुई कर रहा हूँ। सुमित्रानंदन पंत जो थे, ठीक है, उनका जन्म जैसे हुआ 6 घंटे बाद इनके माता का देहांत हो गया था, ठीक है। फिर इन्होंने कई जगह इलाहाबाद में आके पढ़ाई की, और बचपन में गांव में ही पढ़े, यानी अल्मोड़ा में ही पढ़ा। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था, ठीक है। 6 घंटा बाद इनके माता का देहांत हो गया। अब जैसे माता का देहांत हो गया, तब कौन करेगा काम, बताइएगा? मतलब इनका देखभाल, इनकी सेवा कौन करे? सेवा मतलब देख रेख, पालन पोषण जिसको बोलते हो ना, पालन पोषण कौन किया? इनके दादी जी की, इनके पिताजी की, तो इन्होंने किया। और 56 साल बाद इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। और पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिए, इसलिए क्योंकि इन्होंने गांधी जी के आंदोलन में पाठ ले लिया, मतलब उसमें भाग ले लिया, और उस आंदोलन में इन्होंने भी काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इनकी जो कृतियाँ हैं वो है गुंजन पल्लव भी है इनका, क्या है? बीड़ा, ग्रंथि, गुंजन, पल्लव और युगवाणी आदि। ये चीज इनकी कृतियां हैं, क्या है? ये इनकी कृतियां हैं। आई होप आपको ये वाला खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा, 5 का खा। अब अच्छा, इसके नीचे क्या है? फिर आ जाते हैं बहादुर कहानी की कथा वस्तु की विवेचना कीजिए। देखो, बहादुर आ सकता है, लाठी आ सकता है, पंचलाइट, तो आपको आपके स्कूल में बता दिया गया होगा कि आपको ये चीज पढ़ना है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, सबको समझाऊंगा, टेंशन मत लो, एक एक करके सबका पोस्टमार्टम आज करूंगा इधर, ठीक है। बहादुर भी करूंगा, पंचलाइट भी करूंगा, ठीक है, और पंचलाइट और लाठी को भी समझा दूंगा आपको, क्योंकि लाठी भी कई बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। चलो देखते हैं एक एक करके, चलो दिखा देता हूँ। देखो, बहादुर
बहादुर, देखो बहादुर मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर आपको पढ़ के सुना दूंगा। देखो बहादुर एक बहुत गरीब परिवार का लड़का था, और वो कम ही उम्र में 12-13 साल के जब थे बहादुर, बहादुर एक लड़का है ठीक है ना, उसका नाम ही बहादुर है ठीक है। 12-13 साल के थे जब, ये नेपाल के थे ये, तो जब नेपाल के थे तो ये इन्होंने क्या किया, घर अपना छोड़ दिया, क्योंकि मम्मी पापा इनको डांटे, इनकी मम्मी ने इनको बहुत डांटा, तो ये घर छोड़ के चले गए। तो अब 12-13 साल में नौकरी थोड़ी कोई मिल ही नहीं सकता, तो इन्होंने किसी मालिक के यहाँ नौकर बन के काम करने लगे। मालिक स्टार्टिंग में बहुत अच्छा व्यवहार करते थे बहादुर से, बहादुर एक लड़का है जो कि ठीक है, उसके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे, उसको खाना पीना सब कुछ अच्छे से मिलता था, फिर बहादुर वहीं रहता भी था है ना। तब धीरे धीरे क्या होता है, किसी के यहाँ आप लगातार रहोगे तो थोड़ा ना अपमान होने लगता है, ये अमीर के यहाँ तो जरूर होता है मेरे दोस्त, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, सच बात है। तो उन्होंने क्या किया, बहादुर को क्या किया, मारने लग गए, झूठ में ही इनको चोरी के इंजाम में फंसाने भी लग गए इनके घर वाले ठीक है। और घर वाले एकदम आराम करते थे, और बहादुर से खूब काम करवाते थे, और किसी किसी बात पे इनको डांटते थे हमेशा, लगातार उनको डांटने लग गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनको मारने भी लग गए थे, इनको मारते भी बहुत थे। कौन मारता था, बहादुर को, बहादुर के मालिक मारते थे इनको ठीक है। मारने लगे इनको, प्रताड़ना होने लगी। तब इन्होंने क्या हुआ, एक दिन घर छोड़ के भाग गया, फिर मालिक लोग इनके पीछे पड़ गए कि कहाँ गया कहाँ गया, इनको खोजने लग गए। कहते हैं ना कि का पछताए होते है जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब खाम खत्म हो गया, जब वो चले गए तब पछताने से क्या फायदा। और सभी लोग बहुत पछताताप करते हैं, और ये भी कहते हैं कि ये मैंने बहुत गलत किया, इसको मार के, मारना नहीं चाहिए था, डांटना नहीं चाहिए था। कहते हैं ना जब कोई लोग चला जाता है आपके साथ का, उसका अहमियत तभी पता चलता है जब आपको छोड़ देता है ठीक है। जो आपके साथ है तब तक तो वैसे फ्री भाई, कुछ भी कर रहा है ठीक है ठीक है ठीक है ना, तो उसका अपमान भी होने लगता है। तो वही चीज है, इसी के बारे में मैं समझाता हूँ ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे समझाया हूँ वैसे आपको लिखना भी है अपने भाषा में, एक बार लेकिन पढ़ के सुना देता हूँ, मजा आ जाएगा। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है, जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर चला जाता है। अपनी माँ के दुर्व्यवहार से क्या होता है, तंग होकर वो घर बाहर छोड़कर चला जाता है, मतलब अपने घर से भाग जाता है ठीक है। और निर्मला के परिवार में नौकर का रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, भाई स्टार्टिंग में सभी लोग क्या करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है ठीक है। फिर गाली गलौज होने लगता है, उसको मारने पीटने लग जाते हैं, तो भाई होता ही है ना। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर, मतलब पैसा दूसरा कोई लिया है ना, चोरी इसके ऊपर लगती है, से अपमानित किया जाता है और उसे पीटा भी जाता, मतलब बेफालतू में उसको पीटने भी लग गए, उसको गाली गलौज से। लेकिन बहादुर एक बहुत ईमानदार लड़का था है ना। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है, परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदि हो चुके हैं। बहादुर के घर जिस आराम के आदि, मतलब जब कोई काम नहीं करेगा तो उसको कोई चला गया छोड़ गया तो उसका काम करने का मन करेगा क्या, नहीं ना, तो वही चीज होता है। तो सब लोग आराम के आदि हो गए, तो वो भी चला गया बेचारा, क्या करता। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप कर रहे थे, भाई गलत किया, नहीं मारना चाहिए था, नहीं डांटना चाहिए था, गलत किया है ना, तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। तो भाई सोचते हैं, भाई सोचने से क्या फायदा, जब वो चला गया तो सोचने से क्या फायदा। वही बोला अभी कि का पछताए होत है जब चिड़िया चुग गई खेत है, तो वही चीज, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखो अब जब पछताए क्या है, क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी थी, उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। मतलब वो बहुत ज्यादा ईमानदार है, बहुत द्वारा अच्छा लड़का है, बहुत स्वभाव स्वाभिमान लड़का है ना, ईमानदारी के साथ जो भी काम करता है ईमानदारी के साथ करता है, इसलिए ये कहानी मुझे प्रिय है, इसलिए बहादुर दिया गया। तो यहाँ से लिखोगे आपको 5 नंबर मिलेगा। कभी कभी आता है बहादुर लिखने के लिए, और कभी कभी आ जाता है लाठी। अब लाठी क्या होता है भैया, अच्छा लाठी को भी समझाना है क्या आपको है? चलो लाठी भी समझाऊंगा और पंचलाइट भी समझाऊंगा। पंचलाइट देख लो पहले, देखो पंचलाइट यहाँ पर है, ध्रुव यात्रा नहीं बताऊंगा, पंचलाइट क्या है। देखो पंचलाइट उसे हम कहते हैं, जैसे पहले हमारे यहाँ लालटेन रहता था ना, तो पंचलाइट जो होता है वही लालटेन ही है। तो लालटेन कोई खरीद के लेकर आता है बाजार से, ध्यान सुन लो, बाजार से खरीद कर लेकर आता है और उसको जला नहीं पाता है, उसको जलाना है। तो उसको जलाने वाला एक थे, और जो कि क्या था, वो पढ़े लिखे थे, वही एक लोग जला सकते थे और उसको कोई नहीं जला सकता ना।
तो बस वही उसका नाम गोधन ही था, शायद गोधन ही था, अभी समझूंगा पढ़ूंगा तो बता दूंगा खूब अच्छे से, गोधन था। जो कि गोधन को ही किसी लड़के से प्रेम वेम करता था, इसी वजह से कुछ इधर उधर ड्रामे हुआ। तो चलो यही समझाता हूँ मैं। देखो तो पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गाँव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, बिहार के एक पिछड़े गाँव से इसका चित्रण किया गया है। रामनवमी के मेले में महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। वे पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहते हैं। पेट्रोमैक्स खरीदा, उसको क्या कहते हैं लोग, मतलब जैसे हमारे गांव में क्या होता है ना, जैसे हम सब नहीं बोल पाते ना तो उसका नाम ही चेंज कर दिया जाता है। क्या गजब कहानी है, मजा आता है। गांव तो गांव ही है यार, है ना। वे पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहते हैं। वे पंचलाइट को सम्मान की वस्तु समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए गांव के सभी लोग एकत्र हो जाते हैं। जो पंचलाइट था, पंचलाइट मतलब वही लालटेन जो बताया ना, सभी लोग एकत्र हो गए। भाई अगर पहले ना, अभी जैसे BMW, आज के समय में देखो BMW अगर किसी के घर आ गया, या थार आ गया, थार तो कुछ कॉमन होने लगा, तो थार आ गया, क्या उसको देखने के लिए सब बट उठ जाते हैं, जुट जाते हैं कि अरे भाई चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। अगर BMW आ गया, रिच यार क्या BMW आया है, चलो देखते हैं। वो ऐसे सबसे पहले जब आया लालटेन आया, जिसको इन लोग पंचलाइट बोलते हैं, जब इनके यहाँ पंचलाइट आया तो सभी लोग क्या हो गए, गांव वाले एकत्र होकर देखने लगे। सभी लोग उत्साहित थे, लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा कौन, जलाने किसी को नहीं आता था। क्या गजब कहानी थी। अब जैसे है, पहले साइकिल चलाने नहीं आता था, वैसे लालटेन चलाने नहीं आता था, फोन आया, फोन चलाने नहीं आता था, तो सब चलाने लग गए ना, तो धीरे धीरे सब जान जाते हैं। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है जो गांव की एक मुंडरी नामक युवती से प्रेम करता था। प्रेम की अजब गजब कहानी है क्या, प्रेम की अजब गजब कहानी है। मुंडरी जानती है कि टोली में केवल गोधन ही पंचलाइट जला सकता है। मुंडरी को पता था, जो कि उसकी प्रेमिका थी, है प्रेमिका को, प्रेमी वाला जो काम करता है तो सबको पता ही रहता है भाई मेरे दोस्त, है ना। लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया, क्योंकि मुंडरी से प्यार करता है। मुंडरी जो कि अभी भी पहले के समय में जब प्यार करते थे, तो सोचो जब प्यार पहले भी चलता था, ऐसा नहीं क्या लैला मजनू वाला प्यार चलता था, आज तो सीमा वाला सीमा सचिन का प्यार चल रहा है। सीमा हैदर जो सीमा लाग के चली आई, सीमा नाग के चली आई ना, उनका प्यार चलता है वैसे ही। मुंडरी अपनी सहेली के माध्यम से यह सोचना पंचों द्वारा तक पहुंचाती है। पंचों के आदेश पर गोधन पंचलाइट जला देता है। पंचलाइट के चलते ही लोगों में प्रसन्नता का लहर दौड़ गई और लोगों के दिल का मैल भी दूर हो गया। मुंडरी की मां गुलरी गोधन को रात में भोजन पर निमंत्रित किया। गोधन ने मुंडरी की ओर देखा, उससे नजर मिलते ही लज्जा के कारण मुंडरी की पलकें झुक गई। और आजकल लज्जा कहाँ होता है भाई, चल 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 निकल निकल निकल, ठीक है। तो मतलब पहले लज्जा बहुत होती थी, अभी भी होता होगा मुझे नहीं पता उतना, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ सब, अच्छा है मैं अंधा हूँ है। चलो ये पंचलाइट आ गया, अब लाटी को देख लेते हैं। क्या लाटी कहानी बहुत मतलब मजा आता है सब कहानी पढ़ने में, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलो जी लाटी को बताते हैं। लाटी क्या है, देखो ध्यान से। लाटी एक औरत थी, इनका नाम बाद में लाटी पड़ा। तो एक युवक था, अपने मतलब अपनी औरत से प्यार करता, पत्नी से प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन उनकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी, और उनकी पत्नी को क्या होता था कि मतलब बहुत अफसोस था, और वो ठीक भी नहीं होती थी। तो इसीलिए क्या हुआ, एक दिन वो मरीज तो थी ही, फिर क्या हुआ, वो धीरे धीरे चली गई सुस्ते सुस्ते, और वो नदी से कूद पड़ी, कोई नदी में कूद पड़ी, है ना। लेकिन उनको क्या हो गया, दवा जो क्या होते हैं, जो उनको क्या बोलते हैं यार, जो जंगलों में रहते हैं, जो बाबा ओबा रहते हैं ना, उन्होंने उनका दवा ओबा किया और वो ठीक हो गई। और वो फिर जब वो कूदी तो उनका फिर और दिक्कत हो गया, मतलब वो बोल भी नहीं सकती थी। तो उनका जो बाबा थे, उनका नाम क्या रख दिए थे, लाटी रख दिए थे, है ना। क्या आयुर्वेद जो होते हैं, नाम नहीं मुझे पता चल रहा है, वही चीज़ है। उन्हीं के बारे में कहानी है। तो एक युवक अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी उसकी पत्नी। तो उसकी पत्नी क्या हुआ, दुख में कूद गई कि मतलब मेरे पति इतना मेरा काम करते हैं, दुख होता है उसको पत्नी को, ठीक है। लेकिन आजकल कहाँ होता है, सब देखते हैं। वही देखो, शिवानी हिंदी एक प्रसिद्ध महिला कथाकार थी। इनकी कहानियों में नारी के विभिन्न रूपों का सुंदर चित्रण हुआ है। लाटी कहानी एक घटना प्रधान कहानी है। इस कहानी में कप्तान जोशी का वर्णन है, जो अपनी बीमार पत्नी बानो, उनकी पत्नी का नाम क्या था, पहले बानो था, बाद में उनका नाम लाटी हो गया, से अत्यधिक प्रेम करते हैं। टीबी की मरीज होने के कारण जब उनकी पत्नी जिंदगी से निराश हो जाती है, तो वह नदी में कूद कर आत्महत्या करने का प्रयास करती है। कूद जाते ही सोचती है मर जाऊंगी, लेकिन वो मरती नहीं है। तब बाद में लाटी बनकर कप्तान से मिलती है, परंतु बोल नहीं पाती है। इस कहानी का मूल उद्देश्य माध्यम वर्गीय समाज में पति के बिना अकेले रहने वाली महिला के जीवन की त्रासदी को दिखाता है, दिखाना है ठीक है। यही है लाटी जो होता है, एक औरत थी और उसका जो पति है इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन
जो उसकी पत्नी है वो भी प्यार करते थे, लेकिन वो हमेशा बीमार रहती थी, तो वो देखती थी कि मेरा पति हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है, इसीलिए वो दुखी होकर क्या आत्महत्या करने की प्रयास करती है और करते भी हैं, लेकिन आत्महत्या नहीं हो तो मर नहीं पाती, तो उनका दबाव कराया जाता है। लेकिन बाद में वही औरत लाठी बनके, लाठी उनका नाम बाद में रख दिया जाता है। क्यों रख दिया जाता है? क्योंकि वो बोल नहीं पाती, उनको पता भी नहीं है बानो है क्या है, पता होगा बानो है लेकिन वो बोल नहीं पाती, तो कैसे बोलेंगे कि मेरा नाम बानो है, तो उनका नाम लाठी रख दिया जाता है। फिर लाठी बाद में अपने पति से मिलती है, तो वो क्या होती है कि मतलब मिलती है तो क्या बोल ही नहीं पाती है, तो समझ जाती है ऐसे आपस में है ना, प्रेम कहानी अजब गजब सी प्रेम कहानी है सबकी है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या क्या बच रहा है उसको चलो कंप्लीट करता हूँ फटाफट, है ना। फिर मुक्ति यज्ञ, ये सब आपको आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज रहता है, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आ जाइए खंडखा, तो खंडखा को एक पार्ट में और बनाऊंगा मैं, है ना। खंडखा उसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा, क्या बोलते हो, किसी पे कंप्लीट किया जाए, इसी में कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्या बोलते हो? चलो इसी में कर देता हूँ इसको भी कंप्लीट, तो एग्जाम में कन्फर्म में आता है, जो कि आपको मैं पेपर पहले ही दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो चलो इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं, देखिएगा ध्यान से क्या है महामना। देखो संस्कृत को उसका अर्थ बनाने में, हिंदी में अनुवाद करने में कोई टफ नहीं है, संस्कृत से ही उसका अर्थ निकल रहा है, बहुत आसान है मेरे दोस्त, बहुत आसान है, बस सिर्फ इसको लास्ट तक देखना, मजा आ जाएगा तुम्हें। देखो महामना विद्वान वक्ता, वक्ता मतलब वक्ता ही होता बोलने वाला, जिसको जो बोल सकते हैं ना, महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता, क्या धार्मिक नेता, पटु, पटु मतलब चतुर, क्या चतुर, पत्रकार अश्चासित, पत्रकार थे, क्या पत्रकार थे, परमस्य सर्वोच्च गुण, परमस्य सर्वोच्च गुण मतलब सभी गुण है ना, जन सेवैव आसित मतलब जन की सेवा में, परंतु इनका सबसे ऊंचा जो गुण था, परंतु इनका जो सर्वोच्च गुण था वो जन की सेवा में लगा देते थे, है ना, जन सेवा ही था इनका जो गुण था, सबसे ऊंचा जो गुण था वो जन की सेवा में लगा देना ही सबसे बड़ा इनका गुण था। यत्र कुत्राति अयम, क्या जहाँ कहीं भी कहीं कुत्रा तो कहाँ, अयम जनानह, ये देखो जनाना दुखितान मतलब दुखी लोग या पीड़माना स्वायत्त तत्रय सह शीघ्रमेव उपस्थित सर्वविद्यम सहाय चक्रोत प्राणी सेवा, मतलब प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, मतलब इनका यही प्राणी का सेवा करना ही इनका स्वभाव था। देखो दुखी लोग जहां पर या पीड़ित लोग उनको मिल जाते हैं, वही पे उस तुरंत शीघ्र में उपस्थित, वही तुरंत उपस्थित होकर सर्व विद्या साहित्य अक्रोध प्राणी सेवा, और वो प्राणी सेवा के लिए वो शीघ्र ही पहुंचते थे और सब प्रकार की सहायता, प्राणी सेवा इनका स्वभाव ही था, प्राणी सेवा से स्वभाव एवासीत, इनका स्वभाव क्या था, प्राणी सेवा था। अब उसी में से देखो निकाल रहा हूं हिंदी, कहीं से बाहर से नहीं ला रहा हूं मेरे दोस्त, उसी में से निकाल रहा हूं। तो इनका क्या था कि इनका कौन सा स्वभाव था, जैसे ही प्राणी सेवा करने का मौका मिलता था, जैसे कोई दुखी मिल गया या पीड़ित मनुष्य मिल गया, तुरंत ही उपस्थित होते थे और सर्व विद्या सहायक चक्रवर्त, और प्राणी सेवा के लिए इनका यही मेन स्वभाव था, क्या है, प्राणी सेवा करना ही इनका स्वभाव था। आद्यास्माकम, आज हमारे महेन्पस्थ तोयपि महामना मालवीय स्वयं रसोई मूर्ति रूपेण प्रकाशम प्रकाश वितरित, वितरण मतलब वितरित करते थे, क्या प्रकाश को वितरित करते थे, अंधे, अंधे मतलब अंधकार जिसको बोलते हैं ना, अंधकार तमसी डूबे हुए निमग्नान जनान सन्मार्ग दर्शयन, और वहीं पे उन्होंने सन्मार्ग दिखाते हुए, दर्शन मतलब दिखाते हुए स्थान स्थान में जने जने मतलब जन जन में, थोड़ा मैं जूम आउट करना चाहूंगा, ठीक है, जन जन में उपस्थित था, ठीक है, जन जन में क्या था, उपस्थित था, ठीक है, इसको और अच्छे से एक बार समझते हैं। महामना विद्वान, एक बार में पढ़ दे रहा हूँ, महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे, पत्रकार अश्चासीत यानी पत्रकार थे, परमस्य परंतु सर्वोच्च गुण, इनका जो सर्वोच्च गुण था जन की सेवा करना था, जन सेवा आसीत, इनका जो सर्वोच्च गुण था जन की सेवा करना होता था। यत्र कुत्राति अयम जनानाम, जहां कहीं भी है ना, दुखितान दुखी को पीड़े मनास्वायत मतलब पीड़ित मनुष्य तत्र सा शीघ्र तुरंत ही वो क्या करते थे, उपस्थित होकर सर्व विद्या सहायच सभी विद्या को क्या करते थे, अक्रोध
उतारते थे, सभी विद्या को उसमें प्रकट करते थे। मतलब चाहे जो चीज हो, अगर कोई दुखी व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति उनको दिखता था, वहीं शीघ्र ही पहुंचते थे और सब प्रकार की सहायता को, प्राण सेवा और सब प्रकार की सहायता करते थे। और वहां पे सर्विदे सहज अक्रोध प्राणी सेवा और प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवं सीता, और इनका स्वभाव ही क्या था, प्राणी का सेवा करना था। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? नहीं ना रे बाबा। ठीक है, अब देखो आद्यास्माकं महे अनुपस्थितोऽपि महामना मालवीय स्वयं रासोय मूर्ति रूपेण प्रकाशं वितरत। इनका काम क्या था, क्या था, आज हमारे मध्य में अनुपस्थित होते हुए भी महामना, अनुपस्थित मतलब हमारे बीच में नहीं है, फिर भी महामना मालवी हमारे दिल में, मतलब हमारे क्या है, आज उपस्थित नहीं, आज हमारे मध्य उपस्थित न होते हुए महामना मालवी जी अपने यश के, अपने ऐश के क्या, अमूर्त रूप से प्रकाश फैलाते हुए, अमूर्त रूप से प्रकाश को फैलाते वितरित करते हुए अंधकार में डूबे हुए निमग्नान जनान सन्मार्ग दर्शन, डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान जने जने उपस्थित, और स्थान स्थान जगह जगह पर उपस्थित है। ठीक है, अब देखो संदर्भ लिखना है, संदर्भ कैसे लिखा जाता है तब आपको अर्थ भी बता दूंगा। संदर्भ, संदर्भ क्या है, इसमें कैसे लिखेंगे, लिखेंगे गद्यांश है ना, गद्यांश मतलब जो बड़ा में रहेगा समझ लेना, पद्यांश एकदम छोटे में रहता है, जैसे जिसको श्लोक बोलते हो ना। तो संदर्भ क्या लिखेंगे, लिखोगे यह गद्यांश, यह गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका, संस्कृत दिग्दर्शिका, यह गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय, महामना मालवीय पाठ से उद्गृत है, पाठ से क्या है, उद्गृत है मतलब लिया गया है, उद्गृत, उद्गृत है, उद्गृत किया गया है, बस इतना ही लिख लो बस, यानी कि लिया गया है, बस इतना लिखने के बाद फिर संस्कृत का अनुवाद जो भी पढ़ के सुना है वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। महामना जो विद्वान थे वो धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार भी थे, परंतु इनका सबसे ऊंचा गुण जनसेवा ही था, मतलब लोगों की सेवा करना ही सबसे ऊंचा, सबसे सर्वोच्च गुण था। जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित होते हुए देखते थे वहीं पर शीघ्र ही पहुंचते थे, जहां कहीं भी इनको दिख जाता था भई ये बीमार है ना, कोई पीड़ित है, परेशान है, तो वहीं तुरंत ये पहुंच जाते थे और सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणी सेवा इनका स्वभाव ही था, प्राणियों का सेवा करना ही मेन इनका उद्देश्य था। ठीक है, आज हमारे मध्य में उपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय जी अपने यश के अमूर्त रूप से प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर तथा जन जन में उपस्थित है। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा। चलो अब आगे देखते हैं, पद्यांश से भी आ जाएगा, इसको देख लेते हैं, फिर आपको एक बार मैं पेपर फिर से दिखा दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आएगा, मैं दो लेकर आ गया हूँ, दो श्लोक, दोनों का अर्थ बता दूंगा और दोनों आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, देखो पहले संदर्भ लिख लेते हैं। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, संदर्भ, संदर्भ लिख लेते हैं फिर आगे काम करते हैं। संदर्भ लिखने पे क्या, सुखार्थीनाथ कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी त्यजेत सुखम, ये चीज है। अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखो यहां से लेकर यहां तक क्या करना है, लिखना है आपको। ठीक है, संदर्भ किस पाठ से लिया गया है, देखो प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, के संस्कृत भाग में संकलित, सुभाषित रत्नानि, सुभाषित रत्नानि
नामक पाठ से अवतरित है, नामक पाठ से अवतरित है। इतना तो पहले आपको करना है संदर्भ में, फिर कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है, सुखार्थीना से अर्थ लिखना है, अभी समझा देता हूँ आ जाएगा। सुखार्थीना से लिखना है और लास्ट कहाँ तक है, एकदम लास्ट वाला लिख देते हैं, यहाँ पर है सुखम, यहाँ तक लिखना है आपको, समझिएगा ध्यान से इसको और लिख के आपके सामने बताऊंगा, टेंशन मत लो। है चलो जी, सुखार्थीना कुतो विद्या, कुतो मतलब होता है कहाँ, विद्या कुतो मतलब होता है कहाँ, विद्यार्थीना सुखम, सुखम मतलब सुख, सुखार्थी, सुखार्थी मतलब सुख चाहने वाला है ना, वा त्यजेत, त्यजेत मतलब त्यागना, विद्या विद्यार्थी, विद्यार्थी मतलब जो स्टूडेंट यानी आप लोग है ना, या तो त्यजेत त्याग देना, त्यजेत मतलब त्यागना, सुखम मतलब सुख, सुखम मतलब क्या होता है सुख। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको अच्छे से कैसे समझे हम, देखो लिखो हिंदी अनुवाद पहले, या लिख दो सिर्फ अनुवाद, ब्लैंक पेन से लिखो इसको, क्या लिखोगे अनुवाद लिखोगे इसको, ठीक है ध्यान दीजिएगा यहाँ से। सुखार्थीना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थीना सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ, देखिए कैसे निकल रहा है अर्थ, सुखार्थीना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थीना सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुखार्थी व त्यजेत, सुखार्थी मतलब सुख चाहने वाला, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, विद्यार्थी या त्यजेत सुखम, विद्या या तो विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। देखो यार, अगर तुम्हें पढ़ना है, अगर तुम्हें लिखना है समझना है तो सुख त्याग दो, ठीक है, अब अगर सुख को लाना है पास में तो विद्या ही त्याग दो, अगर सुख करना है तो विद्या त्याग दो, आराम से खूब सुख करो, खूब सो, बाद में पछताओगे, यही चीज है। अगर अभी पढ़ लिए तो बाद में मजा आ जाएगा, अगर अभी नहीं पढ़े तो बाद में पछताना पड़ेगा, वही चीज इसमें लिखा गया है, वही चीज इसमें कहा गया है। सुखार्थीना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थीना सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुखार्थी व त्यजेत, सुखार्थी सुख चाहने वाले को, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, विद्यार्थी या त्यजेत सुखम, या तो विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, क्या त्याग देना चाहिए, सुख त्याग देना चाहिए, या तो विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, या तो विद्यार्थी को क्या कर देना चाहिए, सुख को त्याग देना चाहिए। चलो करते हैं पोस्टमार्टम, वही लिखते हैं सुखार्थ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या कहाँ, देखो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थी ना सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुखार्थी व त्यजेत, सुख चाहने वाले क्या विद्या, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, विद्या क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, विद्यार्थी या त्यजेत सुखम, या विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, या तो विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, समझ आ गया क्या। अब देखो नीचे वाला, उदेति सविता ताम्रस्ताम्र वास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो, संपत्ति संपत्ति में और विपत्ति में चमहता में एक रूपता, मतलब चमकने रहना चाहिए जो महान पुरुष होता है, जैसे उदेति सविता, जिस प्रकार से सूर्य उदित होते समय, उदेति सविता उदय होता है जब सूर्य उदित सम होते समय, ताम्रास्ताम्र एवास्तमेति च, और अस्त होते हुए सूर्य क्या होता है, लाल होता है, ध्यान सुनिए, उदेति सविता, जब भी सूर्य उदय होता है या अस्त होता है सूर्य तो लाल होता है, क्या होता है, लाल होता है, और वैसे ही है ना, समय भी लाल होता है, देखो सूर्य उदय होते हुए भी लाल आता है और अस्त होते हुए टाइम भी लाल होता है,
उसी प्रकार से संपत्तो च संपत्ति में और विपत्ति में, संपत्ति और विपत्ति में च महता में एक रूपता, और जो महान पुरुष होता है एक रूप होता है, एक रूप समान होता है। जैसे क्या होता है ना, अब आजकल क्या है, किसी के पास अगर पैसा हो जाता है ना, वो खूब आगे बढ़ जाता है और मतलब किसी को देखता ही नहीं, नीचे वाले को इग्नोर मारता है, मतलब क्या बताऊँ, घमंडी हो जाता है, ऐसे बोल दूँ अगर। लेकिन जो महान पुरुष होता है, जो महान पुरुष होता है, वह संपत्ति उसके पास अगर है तब भी वैसे, अगर उसके यहाँ विपत्ति है, पैसे नहीं है, तब भी वो वैसे ही जाता है। तो यही इसमें कहा गया है, उदयति सविता, उदय होते हुए सूर्य को उदय होते समय लिखते चलो, है ना। और सेम ये सब रहेगा, संदर्भ सेम है, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिख देना, फिर इसके बाद लिखना अनुवाद ब्लैक पेन से, मैं हिंदी ब्लू पेन से ही लिख दे रहा हूँ ना। उदयति सविता यानी कि सूर्य उदित होते समय, उदित समय कैसा होता है, लाल होता है, लाल होता है, और अस्त होते समय भी लाल होता है, और अस्त होते समय भी लाल होता है, दोनों साइड क्या होते हैं, लाल लाल होते हैं, ध्यान समझो। सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी क्या होता है, लाल होता है। इसी प्रकार संपत्ति च विपत्ति, संपत्ति और विपत्ति में, संपत्ति और विपत्ति में क्या होता है, संपत्ति और विपत्ति में महापुरुष, महान पुरुष जो होते हैं ना, महापुरुष क्या होते हैं, एक रूप होते हैं, एक समान होते हैं ना, एक रूप होते हैं, ठीक है। क्या सूर्य उदित होते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है, उसी प्रकार से संपत्ति और विपत्ति में क्या होते हैं, महान पुरुष हमेशा लाल लाल नहीं होते, हमेशा एक रूप होते हैं, ठीक है, ये भी लाल मात्र लिख देना। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलो अब इस टाइप वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्या क्या है, एक अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है, फिर संधि विच्छेद है, ठीक है। इस प्रकार से जितने दो दो नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, सारा एक ही मतलब आगे पीछे करके मैं सबसे पहले संधि विच्छेद आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ साथ, चलिए, क्योंकि कदम कदम से चलो, कदम कदम से आगे बढ़ोगे तब ज्यादा मजा आएगा, कदम कदम से आगे बढ़ते चलो। चलो सब, तो सबसे पहले हम आपको क्या सिखा देता हूँ, संधि विच्छेद, क्या सिखा देता हूँ, संधि विच्छेद, ठीक है। बताइएगा, मैं इसको इधर कर लेता हूँ थोड़ा, हाँ चलो। रमेश का संधि विच्छेद, रमेश क्या हो जाएगा, रम धन राम धन ईसा, राम धन ईसा, राम नहीं होगा, रमा धन ईसा होगा, क्या होगा, रमा धन ईसा, रम क्या होगा, रमा धन ईसा, रमेश, ठीक है। नेक्स्ट है इत्यादि, क्या है, इत्यादि क्या हो जाएगा, इति क्या है, इत्यादि, इति धन आदि, इति धन आदि, इत्यादि, इति धन आदि, ठीक है। यद्यपि का संधि विच्छेद, क्या, यद्यपि, यद्यपि क्या होगा, क्या हो जाएगा, यदि धन अपि, यदि धन अपि, यद्यपि क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यद्यपि के संधि विच्छेद यदि धन अपि हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्वागतम, स्वागतम, सुध स्वागतम, सुधन आगतम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुधन आगतम, सुधन आगतम। अगला है नयनम, क्या है, नयनम, ध्यान सुनिए, नयनम का क्या हो जाएगा, नेधन अनम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नयनम का नेधन अनम। परमार्थ किसका, परमार्थ, परम धन अर्थ, क्या हो जाएगा, परम धन अर्थ, परमार्थ, ठीक है। फिर अगला है भवनम, क्या है, भवनम क्या हो जाएगा इसका, भोधन अनम, भोधन अनम, भवनम का। नायक किसका, नायक का संधि विच्छेद, नायक क्या हो जाएगा, नए धन अक, नए धन अक, नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नए धन अक, नायक। पावक, पावक का क्या हो जाएगा, पौधन अक, पावक, पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पौधन अक, पावक। गायक, गायक क्या हो जाएगा, गय धन अक, गायक। विद्यालय क्या हो जाएगा, विद्या धन आलय, विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्यालय का हो जाएगा।
आई होप आपको ये संधि विच्छेद खूब अच्छे से समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम देख लेते हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर तुरंत, ठीक है। अनल अनिल, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। अनल अनल मतलब क्या होता है, अग्नि, क्या हो जाएगा अग्नि, और अनिल मतलब क्या होता है वायु, क्या हो जाएगा अग्नि और वायु। अविराम, अविराम मतलब क्या होता है, अनवरत मतलब लगातार, अनवरत। अविराम मतलब बिना आराम किए, अविराम मतलब क्या, बिना आराम किए। अनविराम, अविराम मतलब क्या हो गया, अनवरत है ना, लगातार है नहीं। फिर अविराम, अविराम मतलब आकर्षक, आकर्षक और आकर्षक। अंबुज, अंबुद, अंबुज, अंबुद, अंबुज का क्या हो जाएगा, अंबुज मतलब क्या होता है, कमल, क्या होता है कमल होता है। अंबुज मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, कमल होता है। और अंबुद, अंबुद कहाँ, बादल में, क्या बादल बोलते हैं, अंबुद को हम क्या बोलते हैं, बादल। अंश क्या है, अंश, अंश मतलब कि कंधा देना है ना, जैसे कंधा होता है, अंश एक अंश है, ये मेरा एक अंश है ना, मतलब एक कंधा है। और अंश बड़ा सा, दिख रही दोनों में अंतर है, अंश में से कंधा और अंश, ये मतलब भाग, ये मेरा अंश है, ठीक है, मेरा भाग है। प्रसाद, प्रासाद, प्रसाद कहाँ मिलता है, खाने में, खाने के लिए प्रसाद कब मिलता है, कृपा, कृपा बोल सकते हो ना, कृपा, यानी कि जब पूजा पाठ होता है तब प्रसाद मिलता है। और प्रसाद और प्रासाद, ध्यान दीजिएगा पांचों, प्रासाद यानी महल, महल को हम क्या बोलते हैं, प्रसाद बोलते हैं। कुल, 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 कुल मतलब होता है वंश, और कुल मतलब होता है किनारा, वंश और किनारा। पुरुष, परुष, पुरुष मतलब होता है व्यक्ति, और देखो पुरुष मतलब क्या होता है, व्यक्ति होता है, और परुष, परुष मतलब क्या होता है, कठोर, क्या होता है मेरे दोस्त, कठोर, तो व्यक्ति और कठोर। स्वर्ण, स्वर्ण और सवर्ण, स्वर्ण मतलब होता है सोना, जिसको सबको चाहत होती है, सोना और सवर्ण। सवर्ण क्या होता है, उच्च वर्ण है ना, सवर्ण जात के है, कहते नहीं उच्च वर्ण। भवन, भुवन, भवन, भवन मतलब होता है ये मेरा भवन है, मकान जिसको हम बोलते हैं ना, मकान। अब आजकल मकान बोलने लग गए, लेकिन भवन पहले बोलते थे। भवन और भुवन, भुवन मतलब होता है संसार, क्या होता है मेरे दोस्त, संसार होता है, ये पूरा संसार है ना। प्रथा, प्रथा, प्रथा मतलब रीति रिवाज, ये मेरा प्रथा है, रीति रिवाज है ना, रीति, रीति, री रापे छुट्टी मानता है, रिवाज, रीति रिवाज। और प्रथा मतलब कुंती, क्या कुंती। जलद, जलद है, जलद, जलद मतलब बादल, और जलद, जलद ही मतलब क्या होता है, समुद्र। अंश, ये मेरा भाग है, अंश मतलब क्या होता है, भाग। अंशु, अंशु मतलब किरण, और किरण, भाग और किरण, ठीक है। 12 तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है, ये भी हो गया आपका क्लियर, एक एक की सारा चीज क्लियर करते हुए चलिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि क्या है ना, हर एक चीज सीखने का लक्ष्य माना हूँ, 100 में 100 नंबर लाने का ठाना हूँ, तो लाना तो पड़ेगा। अब चलो देख लेते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब भैया ये क्या चीज है, ये कहाँ पढ़ाया गया है, तो आज पढ़ा रहा हूँ ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो चलो सीखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो गोद लिया हुआ पुत्र, यानी कि उनके जैसे लड़के नहीं रहते ना, तो गोद ले लेते हैं उनको, हम बोलते हैं दत्तक, जैसे कहीं से गोद ले लेते हैं, अनाथालय आश्रम में जाकर गोद ले लेते हैं बच्चों को ना, उसको हम बोलते हैं दत्तक ना। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, आस्तिक क्या होता है, ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसे हम क्या कहते हैं, आस्तिक बोलते हैं, और जो विश्वास नहीं रखता है उसको हम नास्तिक बोलते हैं, ठीक है। जो किसी का पक्ष ना ले, मतलब न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, आप न्यूज समाचारों में सुनते होंगे, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, तो निष्पक्ष मतलब किसी का भी पक्ष ना लेना, लेकिन पक्ष लिया जाता है, वो तो अलग बात है। जो कहा ना जा सके, यानी आकथनीय, आकथनीय मतलब हम इसे कह नहीं सकते, ये क्या है, ये आकथनीय है मेरे दोस्त, क्या है, आकथनीय है, ठीक है। जो स्त्री अभिनय करती है, जो स्त्री अभिनय करती है मतलब डांस है ना, इस प्रकार से अभिनय बोल सकते हैं। अभिनेत्री, इसी से नंबर निकल रहा है, देखो अभिनय, अभिनेत्री, जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी,
जैसे ये पेज है, इस साइड भी देखा जा सके और दूसरी साइड भी देखा जा सके। बोलते हैं ये पारदर्शी है भैया, ये तो दिख रहा है मुझे, ये क्या है? पारदर्शी है। जिसके हृदय में ममता ना हो उसको हम बोलते हैं निर्मम, उसको हम क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसको हम निर्मम बोलते हैं। जो व्यर्थ ही अधिक बोलता है, जैसे बहुत लोग ना हमेशा पच 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 बोलते रहते हैं, गांव गांव में रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वाचाल। क्या बोलते हैं? वाचाल। जो बहुत ज्यादा फालतू में टप 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 बीच में पूछता रहता है, बोलता रहता है ना इंजन की तरह, तो वो वाचाल होता है। जो नष्ट होने वाला हो उसे हम बोलते हैं नश्वर, उसे हम क्या बोलते हैं? नक्सवर बोलते हैं। जो नष्ट होने वाला, जो आंखों के सामने हो, जो मतलब मुझे दिखाई देते हैं ना, जो आंखें के सामने हो, परोच्छ होता है। कि जैसे आपके आंखों के सामने मैं लिख रहा हूं ना, तो ये परोच्छ है। क्या है? परोच्छ। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, ज्ञानमय, ज्ञानमय मतलब वो ज्ञानी हो, है ना, वो ज्ञानमय होता है। जो वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? विधवा। जिसका पति मर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। जो पढ़ना लिखना जानता हो होता है वो क्या? साक्षर होता है। जिसको पढ़ना लिखना आता है वो साक्षर होता है। जो इच्छा के अधीन हो, जो इच्छा के अधीन हो उसे हम क्या बोलते हैं? ऐच्छिक, ऐच्छिक बोलते हैं ना। किसी बात पर बार बार जोर देना, किसी बात को बार बार जोर देना मतलब आग्रह करना कि भैया कर लो, कर लो ना, कर लो, तो उसे हम कहते हैं आग्रह करना। ठीक है, जो किसी बात पर बार बार जोर देता हो उसे हम कहते हैं आग्रह। समझ आया क्या? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, इतना चीज आ गया। अब हम सीख लेते हैं लोकोक्तियां एवं मुहावरे। क्या सीख लेते हैं? लोकोक्तियां एवं मुहावरे। हर एक चीज का हम क्या कर रहा हूं? पोस्टमार्टम करूंगा। इधर क्या करूंगा? पोस्टमार्टम करूंगा। क्या है? लोकोक्तियां एवं मुहावरे। चलो इसको भी देख लेते हैं अच्छे से। देखिएगा क्या है पहला, अधजल गगरी छलकत जाए। देखो ध्यान से, जैसे अभी आधा मग्गा पानी लेते हो, कूदते हुए जाते हो, तो क्या होता है? बहुत ज्यादा छलकता है ना। मतलब जैसे अभी आप, आपको कोई मार दिया आपका दोस्त, और फिर कोई दूसरा दोस्त आपके घर पे बताएगा क्या है? बहुत मार खाया, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना है ना। तो आप बोल सकते हो थोड़ा होने पर, थोड़ा होने पर क्या करना? अधिक दिखावा करना, पर अधिक दिखावा करना। ठीक है, आगे नाथ ना पीछे पगहा। अब अच्छा, इसका वाक्य प्रयोग भी करना है ना, आगे ये सबका वाक्य प्रयोग करना है। तो वाक्य प्रयोग मैं बता देता हूँ, इसी प्रकार से आपको सारा करना है, कर ले जाओगे। देखो थोड़ा होने पर अधिक दिखाव करना, जैसे हरीश ने अपने नहीं ये सही नहीं पड़ेगा। जैसे आप आपका नाम गोपाल कमाता, जैसे गोपाल कमाता तो है 300 रुपए, लेकिन पहनता है 500 का पैंट, तो ये क्या हो गया? थोड़ा होने पर अधिक दिखावा करना। यानी कि कोई 300 रुपए कमा रहा है और वो बताता है मैं तो 8000 कमाता हूँ, 800 कमाता हूँ यार। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। ऐसे आपका सबको वाक्य प्रयोग इसी टाइप का करना है ना। आगे नाथ ना पीछे पगा, मतलब उसका कोई ना होगा ना। यानी जैसे कहते ना मम्मी पापा नहीं है, तो क्या होता है? आगे नाथ ना पीछे पगा, यानी उसको हम बोल सकते हैं बंधनहीन। एक शब्द में अगर बोले तो क्या है? बंधनहीन है। ठीक है, अगला है आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ लेना। क्या? दोहरा लाभ लेना, दोहरा लाभ लेना। जैसे कोई आम बेच रहा है तो उसके साथ साथ गुठली भी बेचेगा, कि गुठली निकाल के बेचेगा है, तो वह ऊंट के मुंह में जीरा, यानी आवश्यकता से कम मिलना, आवश्यकता से कम मिलना। जैसे आपको मिलना चाहिए था 2 रोटी और आपको मिल गया 1 रोटी। जैसे आप खाने वाले हो 4 रोटी और आपको सिर्फ मैं 2 रोटी दे दिया, तो वही हुआ आवश्यकता से कम मिलना। यानी कि आप खाने वाले हो 4 रोटी, लेकिन आपको क्या कर मिल रहा है? सिर्फ 1 रोटी मिल रहा है या 2 रोटी मिल रहा है ना। फिर अगला है एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज मतलब एक प्रयत्न और से दोहरा लाभ, से दोहरा लाभ। जैसे एक चीज बताता हूँ, लाभ लेना, लाभ लेना। जैसे आप गए हो कोई सामान खरीदने, है ना, और आपको आपके मौसी के यहाँ जाना था। किसके यहाँ? मौसी के यहाँ। सही से नहीं, मतलब मजाक कर रहा हूँ, सही से मत चले जाना। तो जाना था सामान लेने, मतलब कुछ बाजार से, और आपके मौसी के यहाँ भी जाना था। तो आप एक साथ गए, एक बार में गए और दोनों काम करके चले आए, बस वही होता है एक पंथ दो काज। यानी एक प्रयत्न से दोहरा लाभ लेना। क्या करना? दोहरा मतलब डबल लाभ लेना। ठीक
का वर्षा जब कृषि सुहाने, यानी कि अवसर बीतने पर, अवसर बीतने पर साधन प्राप्त होना, साधन प्राप्त होना क्या होता है? व्यर्थ ही होता है, होना व्यर्थ ही होता है, क्या होता है? व्यर्थ होता है, यानी कि अवसर बीत जाने पर साधन प्राप्त, जैसे बारिश का समय है और धान बैठ गया है, अब बारिश नहीं हुआ, ठीक है, बारिश नहीं हुआ तो बहुत लोग खेत भरते हैं और जब नहीं भरेंगे तो उनका क्या होता है, धान सूख जाता है, और जब सूख गया तब फिर बारिश हुआ तो कोई फायदा है क्या? तब तो फायदा नहीं है क्या? तब फायदा नहीं है, यानी कि समय समय पे अगर बारिश हो रहा है तो फायदा है, ठीक है। वही चीज घर का बेदी लंकड़ आवे, यानी कि आपसी फूट करना, आपसी फूट करना, यानी कि जैसे कोई गांव गांव में होता है ना किसी के यहाँ पे, तो अपने ही घर की बात दूसरे के घर में बताना, जाके दूसरे के घर में जाके बार बार संदेशा देना, तो दूसरों के दोनों के घर से झगड़ा हो जाएगा। तो वही आपसी फूट करना, यानी कि आपस में ही क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, आपस में झगड़ा होता है, तो ऐसा नहीं करने का, करने का नहीं ना, नहीं करने का। फिर देखो आगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि खुद न जाने लेकिन दूसरों पर दोष देना, खुद न जाने क्या, खुद न जाने लेकिन दूसरों पे दोष देना, लेकिन दूसरों पे दोष देना, वाक्य प्रयोग जरूर लिखना पड़ेगा। देखो जैसे आपको मैंने बोल दिया डांस करना है, तो बोलोगे भैया जगह ही कम है, नहीं जगह है, या मैंने बोला कि ये भैया क्वेश्चन करके दिखाओ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, ऐसा बहाना आप कर रहे हो। बस वही चीज है कि मतलब आप को आता नहीं है लेकिन दूसरों को दोष दे रहे हो, मतलब इसमें गलती है, मेरे में गलती नहीं है, ठीक है, ये चीज बोल रहे हो। 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि अति मंद गति से काम करना, मतलब बहुत धीरे धीरे काम करना, अति मंद गति से काम करना, यानी कि बहुत धीरे धीरे काम करना है ना। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, इतना धीरे धीरे मैंने होमवर्क दे दिया करने के लिए, मैंने पढ़ने के लिए दे दिया, बहुत लोग इसी को पढ़ते पढ़ते इतना समय बिता देंगे ना, कुछ पूछो ही मत, है ना। वही चीज है कि काम दे दिया हूं करने के लिए, उसको 10 मिनट का काम 1 घंटे में कर रहे हो, वही चीज है। सावन हरे न भादव सूखे, यानी अपरिवर्तित रहना, अपरिवर्तित रहना, जैसे बिना बारिश का, जैसे मौसम नहीं है बारिश का फिर भी बारिश हो जाना है, बारिश का मौसम नहीं है लेकिन फिर भी बारिश हो जा रहा है, तो ये सब क्या है, यही तो है कि सावन भरे ना भादो सूखे। तो अब देखिए अगला है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? अनेकार्थी शब्द मतलब होता है एक शब्द के दो अर्थ या कई अर्थ, ऐसे भी बोल सकते हैं कि कई अर्थ, वही हमारा क्या होता है, अनेकार्थी शब्द होता है। तो अनेकार्थी शब्द को हम धीरे धीरे चलो सीख लेते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अंबर, अंबर को क्या, कम से कम आपको 2 लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है। अंबर का क्या होता है, होता है अंबर को हम बोलते हैं वस्त्र, और क्या बोलते हैं, आकाश बोलते हैं, है ना। अंबर को क्या बोलते हैं, वस्त्र और आकाश। अच्छा नग को क्या बोलते हैं, नग, नग मतलब जिसको हम लोग नाग भी बोलते हैं, नगीना इसको हम बोल सकते हैं, क्या, नगीना भी बोलते हैं। नग को हम क्या बोलते हैं, नगीना भी बोलते हैं, और नग को हम पहाड़ भी बोला जाता है ना। नग मतलब क्या होता है, पहाड़ भी होता है और नगीना भी होता है। कनक, कनक मतलब होता है सोना, सोना होता है और एक धतूरा होता है। कनक कनक ते सौ गुने नमाद तरिका, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, मतलब खाने से भी बौराते हैं पाने से भी बौराते हैं। सोना कोई पा गया तब भी बौरा जाएगा और खा लिए तब भी बौरा जाएगा, है ना। वही चीज है अर्क, क्या है अर्क, अर्क का क्या होता है, सूर्य। अर्क का होता है सूर्य, और निचोड़, जैसे रस का निचोड़ है ना वैसे। नाग, नग यहाँ पे था, नाग, दोनों नग और नाग में अंतर है। नाग क्या होता है, सर्प होता है, और किसको बोलते हैं नाग, हाथी को भी हम बोलते हैं नाग, किसको, हाथी को भी नाग बोलते हैं। पयोधर, अरे भैया सब क्या बता रहे हो फालतू जी, पढ़ो यार मजा आएगा। पयोधर बादल को बोलते हैं, पयोधर बादल, समुद्र को भी बोलते हैं, किसको, और अस्तन को भी बोलते हैं। पतंग, पतंग कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है, तो और क्या उड़ता है, सूर्य, सूर्य के पास उड़ता है, और कौन उड़ता है सूर्य के पास, पक्षी भी उड़ती है, तो वही क्या होता है, पक्षी भी पतंग होता है और सूर्य भी। अभी पतंग मत बोल देना कि भैया ये पक्षी उड़ रहा है पतंग है, नहीं, पतंग मतलब क्या होते हैं, सूर्य भी होता है और पक्षी भी होता है। अर्थ, अर्थ किसको हम बोलते हैं, धन को भी बोलते हैं,
और किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? अभिप्राय, धन और अभिप्राय। गिरा, क्या गिरा? गिरा मतलब वाणी, और गिर गया, जैसे कोई भी चीज गिर जाता है तो उसे हम बोलते हैं वाणी और गिर गया। विधि, विधि क्या होता है कि विधि का विधान, जो कहते हैं ना विधि, विधि मतलब कानून, विधाता जिसको हम बोलते हैं, है ना, कानून विधाता, कानून विधाता। मित्र, मित्र मतलब दोस्त जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मित्र है, मेरा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, बड़ा अच्छा दोस्त है, है ना। तो मित्र को क्या हम बोलते हैं? दोस्त भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? सूर्य भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सूर्य। वर्ड, वर्ड क्या होता है? वर्ड मतलब होता है अक्षर, क्या होता है? अक्षर, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है कि वर्ड को हम क्या है और बोलते हैं, तो वर्ड होता है अक्षर। रंग भी होता है, जात भी होता है वर्ड, है ना। मधु, मधु, मधु क्या होता है? मधु तो फूल का रस में भी होता है, मधु फूल का रस। और क्या होता है भैया? फूल का रस भी हो गया मधु, और क्या होता है? शहद भी तो वही होता है, क्या होता है? शहद भी तो मधु है। आई होप आपको ये चीज सारा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं लास्ट में आ गया, सारा लास्ट में ये सब पूरा बोल दिया हूँ। देखिए, सब वाक्यों को प्रयोग कर, मतलब शुद्ध करके लिखना है, तो इसको मैं नहीं बताया हूँ क्योंकि आप लोग कर ले जाओगे, बड़े अच्छे लड़के हो, पढ़ के बता देता हूँ। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ऐसा होता क्या? नहीं, तुम कुर्सी पर बैठे हो, डायरेक्ट लिख दो। इस सरोवर में अनेकों कमल, नहीं, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, यह बहुत कमल खिले, कृपया अनुमोदय करने की कृपा कर, छोड़ दो इसको। आप प्रातःकाल के समय, नहीं, आप प्रातःकाल में, प्रातःकाल समय में आइएगा, प्रातःकाल समय, चलो दो बता दिया हूं, तो इसको भी आप कर सकते हो, आप प्रातःकाल के समय आना या आइएगा, है ना, आप प्रातःकाल में आइएगा या प्रातःकाल समय में आइएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। करुण रस, करुण रस का क्या होता है? अच्छा भैया दिखा दो, कुछ मजा आ जाएगा, करुण रस बता दोगे तो समझ भी आ जाएगा, तो चलो करुण रस बता देता हूं। देखो, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, जब किसी व्यक्ति मनचाही वस्तु नष्ट, मतलब जैसे आप कोई चीज चाह रहे हो तो और वो चीज नष्ट हो जाए, या किसी का अनहोनी हो जाए, या किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या कोई एक्सपायर हो जाए, कोई ऐसा दुर्घटना हो जाए जो आप नहीं सोच रहे थे, वो दुर्घटना हो जाए, वो होता है करुण रस। जैसे वही, और इसको जरूर लिख देना शोक, जैसे दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये आप एक उदाहरण है। या मणिखोए भुजंग से जन्नी फंसा, पटक रही थी से संधि, आज बनाकर तुमने मुझे किया न्याय जगदीश। या तो कह सकते हैं, ए मेरे दोस्त लौट के आ जा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है, मतलब मेरे दोस्त तुम लौट के आ जाओ, तेरे बिन जिंदगी ये अधूरी है। अगला है हास्यरस। हास्यरस का स्थायी भाव हास होता है, जब किसी व्यक्ति वस्तु की चेष्ट, मतलब जैसे कोई भी चीज आप देख के आपके अंदर खुशी उत्पन्न होती है, जैसे जोकर देख लिए, या कोई ऐसा सरप्राइज आपको मिल गया, आप खुश हो गए, है ना, आप किसी से मिल लिए उसको देखकर खुश हो गए, या कोई चीज देख के आप खुश हो गए, है ना, तो कई चीज, फिल्म में कोई डायलॉग सुन के आप बहुत ज्यादा हंस रहे हो, तो वही जब क्या है, हास्यरस होता है। जैसे हाथी जैसे कि दे, गेंडे जैसे चाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल, या बिंदे के बासी उदासी, तपोव्रत धारी महाबिंदु नारी दुखारे, गौतम तीतर तुलसी सो कथा सुन वे मुनि बृंद सुखारे। तो ये चीज मैं बता चुका हूँ, इसलिए फास्ट थोड़ा बता रहा हूँ, क्या जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, समझ आया कि नहीं आया हास्यरस आगे अच्छे से, ठीक है। अब अगला मेरा क्या है, रस हो जाएगा, फिर अनुप्रास रूपक अलंकार। अच्छा, अलंकार भी भैया बता दो, सब कुछ भाई मेरे, सब कुछ क्लियर करने वाले हूं ना, सब कुछ लेकर बैठा हूं आज यहाँ पर, चलो देख लेते हैं। अलंकार में उपमा अलंकार, जहां उपमेय से उपमान की समानता व्यक्त किया जाए, उपमेय से, ये से है और इसमें मेय है, से दोनों में अंतर। हरिपद कोमल कमल से पहला लिख सकते हो, या तो पीपर पात सरिस मंडोला, या तो दूसरा या तो तीसरा, तीनों में से आप एक लिख देना, एक ही लिखना है, ठीक है, तो कोई सा भी लिख सकते हो, मतलब दोनों में अंतर, यानी उपमेय से उपमान की समानता व्यक्त किया जाता है, क्या समानता व्यक्त किया जाता है, इसमें एक रूपता बताई जाए, ठीक है, ये रूपक अलंकार होता है। यमक अलंकार क्या होता है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ हो, जैसे कनक, कनक कनक मतलब होता है सोना, एक कनक मतलब होता है धतूरा, है ना, जैसे एक ही शब्द दो बार यूज हुआ हो और उससे भी ज्यादा बार, अधिक बार यूज हुआ हो, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, है ना, दोनों का अर्थ क्या हो, अलग हो, लेकिन अक्षर सेम हो, जैसे कनक कनक ते सौ गुरी मादक ते अधिकाय या खाए बौरा जब हुआ पाए बौरा, यानी कि कनक मतलब सोना या धतूरा,
इसको पाने से तब भी बौरा जाते हैं, ना पाए तब भी बौरा जाते हैं, तो ये यमक अलंकार होता है। अनुप्रास क्या होता है? जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो यहाँ अनुप्रास अलंकार। जैसे तरण तंज तट तमाल तरवर, देखो ता 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 कई बार आया, या चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, या तो आप इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो रस भी देख लो इसी वक्त। यह सममात्रिक छंद, इसमें 16 16 मात्राएं होती हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान कुंज सागर जय कपीस तुम लोग उजागर, इसको आपको देखना है रस छंद अलंकार, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप जाके देख लीजिएगा ना। रस छंद अलंकार का काम खत्म कर देता हूं। फिर देखो इनको दोनों को मैं एक दिन बता दूंगा और इनको भी इंपॉर्टेंट लेकर आ जाऊंगा जल्दी। तो आई होप आपको समझ जरूर आया होगा, अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।